फर्स्ट क्वेश्चन एरा करिए गुड इवनिंग आ जाओ सब आज जागरण मैं ले नहीं पाऊंगी मेरा आज फास्ट है ठीक है लेकिन मैं जितना भी करवाऊँगी सब एकदम सटीक और बहुत एकदम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्लास आज टाइम एंड वर्क की मैंने जो डी आई ली है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मतलब पूरे दिमाग के तार खुल जाएंगे आपके टी एस टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के वो एक डी आई आपका पूरा टाइम एंड वर्क रिवाइज़ करा देगी तो इस क्वेश्चन में क्या है पी नंबर सिस्टम पे भी क्लास मैंने ली है पेड में अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी क्लास में आओ तो आओ तो अप्रिशिएशन होता है तो मन मन लगता है क्लास में क्वेश्चन कराने को मैं तो वैसे भी आपको एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस यहां पर करवाती हूँ स्टूडेंट्स ही नहीं आते पी इज इक्वल टू ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल With बी सी एज अ हाइपोटेनियस ठीक है तो आपका एक राइट एंगल ट्रैंगल है जिसमें आपको इन्होंने बोल दिया है कि बी सी आपका क्या है यहां पर हाइपोटेनियस डेट मीन कर्ण विकर्ण जो भी बोलते हैं ठीक यहां 90 डिग्री तो हमने इस पे कर दिया ओके लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी इज गिवन ए बी की लेंथ दी है आपकी 15 एंड ए सी की लेंथ दी है आपको 20, क्लियर मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट रिक्वायर टू रीच द हाइपोटे फ्रॉम ए एट द स्पीड ऑफ तो स्पीड हमें दे रखी कितनी स्पीड से जाना है इसको किलोमीटर पर आर एंड टाइम इज फोर टी तो टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पर फोर्टी फाइन द वैल्यू ऑफ टी ये हमसे इन्होंने कहा है ओके okay? तो मुझे एक बार बताओ ट्वेंटी फाइव बाई टू नो अब अगर हम यहां पर बात करें आपसे कि आप मुझे एक बात बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है ए टू हाइपोटेनियस जाने की सिक्सटी बाय एट यहां से मिनिमम डिस्टेंस हाइपोटेनियस तक जाने की सिर्फ एक चीज है हो सकती है कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। है ना यही डिस्टेंस सबसे छोटी होगी इसको मैंने पॉइंट को डी बोल दिया ओके तो इस ट्रायंगल के एरिया पे जाने से पहले हम सबसे पहले बी सी निकाल सकते हैं क्यों बी सी निकाल सकते हैं बिकॉज मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है बेस भी है और एंगल है नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फिफ्टीन का स्क्वायर दैट इज टू टू फाइव एंड ए सी स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर दैट इज फोर हंड्रेड तो दिस वन इज सिक्स ट्वेंटी फाइव तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव सो बी सी इज इक्वल टू कितना ट्वेंटी फाइव ये आया कि नहीं आया ओके okay, तो जब बी सी की वैल्यू आपकी ट्वेंटी फाइव आ गई ओके okay, और एक चीज़ और हमें यहाँ पर पता है क्या कि हमें यहाँ पर मतलब पी क्यू आर को एक तो रिलेट करना है तो पी क्यू आर तो अलग अलग निकालने ही हैं साथ में हम ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्यू वाला ओके साथ में हमें यहाँ पर टी की वैल्यू बतानी है ओके तो अब मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है वन बाई टू इंटू बेस हाइट यही तो होता है होता है कि नहीं होता तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को लेकर इसको मानू हाइट और इसको मानू बेस तो क्या होगा वन बाय टू इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी क्लियर और मुझे बताना है कि टाइम कितना टी की वैल्यू बतानी है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम होता है स्पीड पता है टाइम पता है डिस्टेंस कैसे ना कैसे मुझे पता लग जाए मिनिमम तो मैं यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल टाइम निकालू क्यों क्योंकि मुझे अगर कम से कम टाइम चाहिए तो हम दूरी वही तय करेंगे जहाँ पर रास्ता छोटा हो अगर हम बहुत बड़ा रास्ता चूज कर लेंगे तो हमें टाइम भी उतना ही लगेगा ठीक है तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें अगर मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो हमें मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस वाला पाथ चूज करना पड़ेगा वो होगा आपका ये परपेंडिकुलर क्लियर तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस को पहले मैं बताऊं तो अगर इस ट्रायंगल को पूरा देखें अगर मैं इसको बेस कह दूं और इसको हाइट कह दूं ये बेस कह दूं और ये हाइट कह दूं तो क्या एरिया हो जाएगा वन बाई टू बी सी इन ए डी ये भी तो लिख सकते हैं <coughs> आ रही बात समझ में तो भाई जब इसको मैंने ऐसे कर दिया तो बी सी तो मेरे को पता है ना इसको काटो टेन ये कितना हो गया वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी इज इक्वल टू वन 2 टू बी सी इज ट्वेंटी फाइव ए डी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी फाइव सिक्स ए डी की वैल्यू आ गई आपकी सिक्स टू सा ट्वेल्व ओके तो हमें ये वैल्यू पता लग गई कितनी आ गई हमारी बारह आ गई अब बारह जाना है इसको ठीक है टाइम मुझे चाहिए तो बारह किलोमीटर जाने के लिए इसको कितनी स्पीड लग रही है तीस की स्पीड लग रही है और ये टाइम आएगा आर में बिकॉज ये किलोमीटर पर आर में दिया और ये किलोमीटर में दिया तो मुझे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटे में होते हैं साठ मिनट साठ से कर दोगे क्या मल्टीप्लाइस तीस दूनी साठ बारह दूनी चौबीस मिनट आपका ये आंसर आ जाएगा ये टाइम किसके बराबर दिया था फोर टी ओके सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू टू टी डोंट बी कंफ्यूज ओके यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो टाइम हमने निकाला है ये हमने ऑरिजिनल टाइम निकाला है बट इन्होंने कहा कि ये जो टाइम है ये है फोर टी तब इसमें से टी की वैल्यू बता दो दैट मीन्स दिस टाइम फोर टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सिक्स तो हमारा P आ गया वही हमारा T होगा क्योंकि तो वैल्यू ऑफ T बोला था P को तो ये आ गया हमारा six. Is equal to, टी बोलावल टू टी इज इक्वल टू सिक्स मिनट और मिनट में ही कहा था क्या कि हमें टाइम मिनट में बता दो इस वजह से हमने इसको निकाला क्लियर इतना आ रही बात समझ में बताओ एरिया है राहुल तो इक्वल हम कर सकते हैं ना एरिया भाई इसी इसी ट्रायंगल में तो हम जा रहे हैं ये भी परपेंडिकुलर है अगर ये परपेंडिकुलर लिया अगर मैं बी को बेस बना दूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एडी तो दिख रहा है और किसी भी ट्रायंगल के एरिया में हम बेस इंट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं ओके okay? अब चलते हैं नेक्स्ट को uh, मतलब नेक्स्ट क्यू पर चलते हैं क्यू को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर इतना समझ में आया बताओ क्यू निकालने के लिए मेरे से कहा है इन्होंने क्या कि सिक्स वन टू एट इंटू वन टू थ्री एम ओके इसका यूनिट डिजिट बता दो क्या यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज एम माइनस वन वे आर द वैल्यू ऑफ एम मुझे एम की वैल्यू चाहिए ठीक है तो एम क्या है यहां पर जो तो डिजिट होगी उसी को एम कहा है तो एम मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है एम क्या हो सकता है अब ये एम माइनस वन दिया है दैट मीनस एम की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन वन होगी इतना तो समझ में आ रहा है ठीक है कॉमन सेंस तो एम की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक की तो डिजिट होती है तो हम नाइन तक जा सकते हैं यहाँ पर तो मुझे एम की वो वाली वैल्यू चाहिए जिसमें मुझे एम और एम माइनस वन दोनों मिल जाए क्या कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा भाई इसके लास्ट यूनिट को लास्ट डिजिट को और इसको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो भी वैल्यू मेरी आती है और इधर जब हम m माइनस वन करें एक छोटी आनी चाहिए तो पहले बताओ मुझे कि अगर मैंने यहाँ पर m की जगह दो रखा तो ये कितना हो जाएगा वन टू थ्री टू एंड दिस इन टू एट तो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे आठ दो सोलह मतलब यूनिट डिजिट इस केस में क्या आ रही है छह आ रही है तो भाई दो रखने पर यूनिट डिजिट आ रही है तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आनी चाहिए मतलब अगर मैंने दो रखा है तो यहाँ एक आना चाहिए तब ये मेरा मान सेटिस्फाई करेगा जब मैंने एम की जगह थ्री रखा तो जब आप यहाँ पर थ्री रखोगे तो तीन को आठ से मल्टीप्लाई करोगे आठ त्रिक चौबीस मतलब चार यूनिट डिजिट आएगी जब एम की जगह चार रखा तो चार को आठ से मल्टीप्लाई करोगे फोर एट थर्टी था टू टू आएगी जब फाइव रखा तो फाइव एट फोर्टी जीरो आएगी सिक्स रखा तो सिक्स एट फोर्टी एट एट आएगी सेवन रखा तो क्या आएगा आपका सेवन एट फिफ्टी सिक्स अब मुझे बताओ एम सेवन रखने पर एम माइनस वन यूनिट डिजिट आ रही है कि नहीं देट मीन सेटिस वैल्यू ऑफ एम इज सेवन आई बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में कि हमने कैसे एम की वैल्यू निकाली यहाँ पर अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या r फाइंड द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन दैट मीन्स r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जो हम स्मॉलर रूट फाइंड आउट करेंगे ठीक तो अब स्मॉलर रूट क्या हो सकता है अगर मैं दो से काटूँ ये कट रहा है चार से काटूँ नहीं कट रहा ठीक है तो दो से देखो दो अट्ठे सोलह और दो सत्ते चौदह यही तो है तीन से काट सकते हो तो टू तो इंटू 3 3, uh, 3 तीन भी तो है यहाँ पर तो तीन भी रहेगा तो अब बताओ उन्तीस तेरा छत्रिक अठारह तो उनतीस और अठारह का सम इतना होता है तो हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते यहाँ पर ट्वेंटी नाइन और अपना एटीन तो इसको मैं ट्वेंटी नाइन और एटीन इसके रूट हो गए बट थ्री स्क्वायर का है तो थ्री से हमें इसे क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा ओके अब अब पर पर वैल्यू आ रही है, 3, 6, 18. अब मुझे एक बात बताओ यहां पर, कि हम ट्वेंटी नाइन बाइ थ्री करें स्मॉलर रूट तो ये तीन है सत्ताईस मतलब नाइन पॉइंट समथिंग आएगा तो ये बड़ा रूट हो जाएगा तो स्मॉलर रूट हम कौन सा लेंगे सिक्स लेंगे सो so, के की वैल्यू हम सिक्स यहां पर लेंगे तो अब पहला वाला देखा जाए रिमाइंडर इज फाइव वेन पी क्यू आर तीनों को ऐड करने पर डिवाइड किया जाए सात से तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी p की वैल्यू कितनी आई है q की वैल्यू कितनी आई है सेवन और आपका आर कितना आया है सिक्स तो छह बारह और बारह सात कितना होता है उन्नीस उन्नीस को सात से डिवाइड करोगे सात दूनी चौदह पांच बचेगा तो पांच आना चाहिए यहाँ पर रिमाइंडर फाइव आना चाहिए तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर वन फाइव रहा है सेकेंड वन इज p इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन q. तो ये भी सही है P और q आपके क्या हैं यहाँ पर एक सेकेंड P इज इक्वल टू आर बिल्कुल P और r दोनों सिक्स हैं और दोनों q से बड़े हैं क्योंकि q कितना आया था हमारा यहाँ पर Q आया था सेवन आया था P इज इक्वल टू आर लेस देन q. Q बड़ा आया बिकॉज q की वैल्यू m इज इक्वल टू सेवन हमारी आई थी यहाँ पर ओके okay? हमने m की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पर एम की वैल्यू सेवन रखी थी तब हमें यूनिट कितनी मिली थी सिक्स मिली थी तो क्यों बड़ा होगा यहाँ पर कौन सा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका सेकेंड वाला अब इसे देखो क्या पी इज इक्वल टू क्यू माइनस वन तो पी सिक्स है क्यू माइनस वन सेवन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स 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 ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑल्सो करेक्ट तो वन एंड थ्री ओनली आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट नंबर ये आपके मिसलेनियस होते हैं ठीक है ये आपको सबको मिक्स करके दे देगा नंबर सिस्टम क्वाड्रेटेक और इसमें ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा सबका टच है बताया तो राहुल कि आपको कुछ नहीं वहां पर बस एरिया का फॉर्मूला निकालना है आपको टाइम कैसे निकालोगे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपने निकाल ली कि मिनिमम मिनिमम से पॉसिबल टाइम चाहिए तो कम से कम डिस्टेंस तय करोगे तभी तो टाइम कम लगेगा तो ए डी हमने निकाला ए डी डिस्टेंस होगी स्पीड हमें गिवन थी टाइम निकाल दिया और फोर बोला था टाइम को तो फोर तो एक्चुअल टाइम कितना आया था आपका ट्वेंटी फोर तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स जो हमसे पूछा था सिंपल था क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या है 720 ओके okay, अब हमें बोला है कि हमें ए बी सी डी में क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू और क्वांटिटी थ्री दी हुई है हमें इनका कंपैरिजन करना है इट इज़ आल्सो नोन दैट ए एंड ई आर पॉजिटिव नंबर्स तो ए और ई e, इनको हम क्या काउंट करेंगे यहाँ पर ये यह हैं आपके पॉजिटिव ओके एंड रेस्ट आर नेगेटिव जो भी रेस्ट होंगे उनको हमको क्या काउंट करना है यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर रखना है अब देखिए क्या इट इज ऑल्सो नोन दैट ए एंड ई आर पॉजिटिव ओके तो क्वांटिटी वन पे अगर हम जाए तो इसमें क्या लगाओगे बताओ करो इसको इसको कर सकते हो आप ओके okay? तभी मैं टाइम दे रही हूं थोड़ा सा बस कुछ नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव का अब देखो यहाँ पर 720 और ये है डिवाइड का साइन ओके और ये है इनटू तो 720 ट्वेंटी अपॉन में कितना हो जाएगा 240 और ये इनटू में 48 है ठीक अब पावर की बात करें तो ए की पावर 21 ओके और यहाँ पर डिवाइड है तो ये ए की पावर -6 है तो ये प्लस सिक्स हो जाएगी बिकॉज डिवाइड में जब ये ऊपर आएगी और ए की पावर माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये एड हो जाएगी मतलब प्लस माँणस माँणस 12. ये हो गई आपकी ए की पावर बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है ट्वेंटी सेवन है डिवाइड में जाएंगे तो माइनस ये प्लस नाइन है तो माइनस नाइन हो जाएगा जब साथ में लाएंगे ऊपर इसको और इनटू में बी की पावर ट्वेल्व है तो ये प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा अब मुझे बताओ ए आपका पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव बिकॉज कहा है सिर्फ ए एंड ई यहाँ पर पॉजिटिव है तो अगर हम ऊपर वाले को देखें छे और एक साथ सत्ताईस में से बारह गया कितना आ जाएगा ये ए की पावर फिफ्टीन इनसे हमें मतलब नहीं है अभी ठीक है लिख सकते हो लिखना चाहो तो चौबीस दिया बहत्तर और तीनों चौबीस तो एक सौ चौवालीस आ जाएगा ठीक है क्वांटिटी वन निकाल रहे हैं अभी हम कितना आ गया ए की पावर फिफ्टीन एंड ये हो जाएगा नौ तीन बारह तो तीन सात तीन दस बी की पावर थर्टी अब ए अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर फिफ्टीन दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी और बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव है नेगेटिव की पावर इवन तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा क्यों माइनस वन की पावर वन होता है या माइनस वन की पावर थ्री तो ये माइनस वन देता है और माइनस वन की पावर फोर हो या माइनस वन की पावर सिक्स हो ये सारी आपको वन डैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देते हैं अगर आपका अंदर नेगेटिव कोई टर्म दिया हुआ है और उसकी पावर इवन है दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव टर्म यहाँ पर देगा ठीक है अब देखो क्या थैंक यू सुमित अब इधर देखिए क्या आता आता कोई है नहीं ठीक है जितना भी जल से दे रहे हैं यहाँ पर पर कोई मतलब नहीं है अब देखो क्या ए और ई e पॉजिटिव तो हमारा ओवरऑल क्वांटिटी वन क्या आ रहा है ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है ठीक एक चीज मेरी निकल है अब क्वांटिटी टू की बात करते हैं ओके क्वांटिटी टू में मेरे को बताओ 480 अपॉन में कितना है आपका 120 इनटू कितना है डिवाइड में ही है तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ओके और साथ में हम देखें यहां पर क्या 12 448 4 बाय 6 इनटू सी की पावर 27 और डिवाइड में माइन प्लस ट्वेल्व है तो ऊपर माइनस ट्वेल्व आपका हो जाएगा और c इन में है यहाँ पर क्या डिवाइड में ओके okay? तो ये माइनस सिक्स है डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा ओके okay? अब d की पावर की बात करें ट्वेंटी वन प्लस डिवाइडेड बाय d की पावर नाइन तो डिवाइड है तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और डिवाइडेड बाय d की पावर नाइन तो माइनस डिवाइडेड में माइनस तो ऊपर मतलब डिवाइडेड है तो ऊपर आके ये माइनस आपका हो जाएगा ओके तो सी की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस सिक्स बचा माइनस सिक्स तो ये हो गया इक्कीस और डी की पावर नौ नौ अठारह आठ तीन ग्यारह होता है डी की पावर थ्री आ गई हमसे बोला सिर्फ ए और ई e पॉजिटिव है दैट मीन सी नेगेटिव तो C नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर 21 एंड D इज ऑल्सो नेगेटिव नेगेटिव की पावर 3, तो दोनों की ऑड पावर है तो किसी भी नेगेटिव टर्म की अगर पावर ऑड है डेट मीन्स ये आपको नेगेटिव देगा और ये भी आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा आपको पॉजिटिव दैट मीन्स क्वान्टिटी टू इज ऑल्सो पॉजिटिव आई बात समझ में आए हुआ है इस तरह का क्वेश्चन हल्के में मत लेना और ये इजी है ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हो ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ गधा इंसान कोई नहीं है समझ लेना <coughs> चलो क्वांटिटी थ्री की अब बात कर लेते हैं नाइन्टी सिक्स इंटू टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो नाइन्टी सिक्स इंटू टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये रहा और आगे e की पावर है ओके okay? तो e पॉजिटिव था इतना पता e की पावर 24, फोर यहाँ इंटू है e की पावर 9, तो e की पावर 9 इंटू में प्लस हो गई डिवाइडेड बाय e की पावर 18, तो माइनस का 18, सेम फॉर f, 36 पावर थी इंटू में 12 है f की पावर तो ये हो गया प्लस का 12, और इधर कितना हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय f की पावर 3, तो मतलब कि माइनस का 3, ठीक तो e की पावर क्या आ गई माइनस तो कितना हो गया चौदह में से नौ गया पांच ई e की पावर फिफ्टीन आ और f की पावर कितनी आ जाएगी छत्तीस प्लस ग्यारह छः सात आठ और यहाँ पर यही है ना कि थर्टी सिक्स सॉरी प्लस ट्वेल्व तो अड़तालीस में से तीन जाएगा कितना बचेगा आपका फोर्टी फाइव ही आ जाएगा ठीक है अब मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पर ये इन टू डिवाइड अब e की पावर फिफ्टीन तो पॉजिटिव है पॉजिटिव की पावर फिफ्टीन दैट मीनस पॉजिटिव ही देगा बट एफ क्या है नेगेटिव और नेगेटिव की पावर ऑड 45 फाइव दैट मींस नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव देगा तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी थ्री आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है क्वांटिटी वन पॉजिटिव दे रहा है क्वांटिटी टू इज ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्वांटिटी वन बड़ा होगा क्वांटिटी थ्री से और क्वांटिटी टू भी बड़ा होगा क्वांटिटी थ्री से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आई बात समझ में नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पर पूरे टर्म्स को हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन हम प्लस माइनस से भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमें ऐसा दिया है हमें नहीं पता क्वांटिटी वन और टू का क्या रिलेशन है डजेंट मैटर बिकॉज हमें यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं बट ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें क्लियरली मैंशन कर दिया है कि ए एंड पॉजिटिव दैट मीन्स पूरा खेल आपका पॉजिटिव नेगेटिव पर ही है आंसर आना है इसका ओके तो इस तरह से आपको इसे करना बढ़िया क्वेश्चन था ये ऐसे मिलेंगे कंफ्यूज होके छोड़ के मत आना ठीक है नेक्स्ट ये है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करिए इसको कुछ भी ले लो एफ की पावर ऑड ही आएगी ठीक है ऑड आएगी दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है कुछ भी है क्या मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर भी ली तो क्या मतलब है ये बताओ कोई एग्जैक्ट डेटा तो निकाल नहीं पाओगे ए और बी का मान लो ए ज्यादा हुआ बी ज्यादा हुआ तो क्या कर लोगे ए स्क्वायर लिखा है सपोज यहां पर एक सौ छत्तीस आ जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके और यहां पर आ जाए क्या फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ठीक अब यहां पर ए की वैल्यू वो दे, दे दे फोर का स्क्वायर और यहाँ सी की वैल्यू दे दे एक सौ का स्क्वायर तो बताओ क्या कर लोगे तो ए और बी जब तक डिसाइडेड नहीं है तो न्यूमेरिकल वैल्यू का गुईया थोड़ी यहाँ डालनी है हमें टाइम एंड वर्क का डी आई करवाऊंगी उसके बाद ये भी ये, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर करिए ना अजीब क्वेश्चन है विनय एस बी आई पी ओ मींस कब है एक ही डेट है अजीब बात है यार तुम लोग द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ओके ऑफ अ टू डिजिट नंबर कैसे करोगे इसको एक बार ट्राई करो इसके बाद मैं डी आई करवाऊंगी बीच के सारे क्वेश्चन मैं स्किप करूंगी आज एम इज गु वन ट्वेंटी देखो मैंने ये पेड़ में करवाया है अगर बच्चे होंगे पेड़ वाले तो उसका आंसर करेंगे ओके थोड़ा सा चेंज किया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑपटेन नंबर ऑपटेन बाय रिवर्सिंग टू डिजिट नंबर सपोज एम के लिए मैंने बोल दिया द एक्चुअल नंबर इज टेन एक्स प्लस वाई या फिर टेन ए प्लस बी मान लो ओके तो नंबर क्या होगा भाई ए ए बी ठीक है ये यूनिट प्लेस हो गया है टेन प्लेस इसलिए हम इसको टेन ए प्लस बी लिखते हैं क्यों क्योंकि ए और बी को हम सिंगल डिजिट लेंगे जीरो टू नाइन यही पॉसिबल ये यह हो सकती हैं इसके अलावा कुछ नहीं दस आ गया अगर ए की वैल्यू दस पॉसिबल नहीं है बी की वैल्यू दस पॉसिबल नहीं है दस से ऊपर टू डिजिट नहीं हो सकता इतनी बात ध्यान रखना हमेशा ओके अब इसकी बात अब आगे देखते हैं द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज मोर ओके तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है ना ये सेवनटी फाइव परसेंट मोर है ऑरिजिनल नंबर तो आपसे बोला है क्या कि अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो अब ये ओरिजिनल नंबर का कितना है वन सेवनटी फाइव परसेंट तो अब एक चीज तो समझ में आ रही है क्या कि रिवर्स नंबर क्या होगा भाई टेन बी प्लस ए अगर ए बी नंबर है इसको रिवर्स कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा बी ए ही तो हो जाएगा तो ये टेन प्लेस हो गया तो यह टेन बी प्लस ए हो गया और यही बोला है अगर नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो ये ओरिजिनल नंबर का क्या हो जाता है सेवनटी फाइव परसेंट मोर तो वन सेवेंटी फाइव परसेंट हमने कर दिया अब एक ए और बी में रिलेशन आएगा क्या आएगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी आपकी ट्वेंटी फाइव सेवनजा एंड ट्वेंटी फाइव फोर जी यही है तो सात से मल्टीप्लाई करोगे अंदर सत्तर ए प्लस सेवन बी इज इक्वल टू फोर्टी बी प्लस का फोर okay? इसको इसको तो ये कितना है सेवनटी और मतलब मैं ए को कोई भी डिजिट लू बी उसकी दुगनी होनी चाहिए क्लियर ये बात समझ में आ रही है तो ए को अगर मैं कुछ भी लू तो मेरे पास सिर्फ डिजिट्स के लिए पॉसिबिलिटी रहती है जीरो टू नाइन बिकॉज ये ए और भी अपने आप में यूनिट डिजिट्स हैं तभी हमने टेन से यहाँ मल्टीप्लाई किया है टेंथ प्लेस के लिए तो अगर मैं ए को जीरो रखूँ तो बी जीरो हो जाएगा तो जीरो जीरो तो कोई नंबर होगा नहीं ए को मैंने वन रखा तो बी कितना हो जाएगा आपका टू हो सकता है ठीक है क्योंकि इसका दुगना है ए को मैंने टू रखा तो ये टू टू जा फोर थ्री रखा तो थ्री टू जो सिक्स दिस इज फोर फोर टू जट दिस इज फाइव फाइव टू जा टेन नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जीरो टू नाइन तक ही एक्सिस्ट करेंगे ऑलरेडी हमने यहाँ पर टेन इसको दे दी है इनको यहाँ पर ठीक है जो जिनके साथ जरूरत है तो ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी तो नंबर क्या पॉसिबल है ओरिजिनल नंबर की बात करें तो आपका बारह हो सकता है चौबीस हो सकता है छत्तीस हो सकता है और चौरासी हो सकता है और अगर मैं इसको रिवर्स करके देखूँ बी ए तो इक्कीस हो जाएगा बयालीस हो जाएगा तिरसठ हो जाएगा और अड़तालीस हो जाएगा बात समझ में आई कह नहीं सकते कुछ ठीक है जो अभी के लिए हाई लेवल होता है एसबीआई में वो नेक्स्ट ईयर के लिए एस क्लर्क के लिए हो जाता है इस साल जो एसबीआई पीओ में आएगा वो क्या होगा भाई क्लर्क अगले साल फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका एक बार जो चीज आ जाती है वो हाई लेवल नहीं रहती फिर हाँ सॉरी ये आपका फोर्टी एट होगा यहां पर थैंक्स फॉर करेक्शन तो ये आपका 84 हो जाएगा ओके क्योंकि तो ए बी ये वाला नंबर था अब हमसे बोला था फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल पेयर्स एग्जिस्ट आपके ओरिजिनल और रिवर्सिंग से कितने पेयर टोटल एग्जिस्ट कर रहे हैं इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सबको जब जोड़ोगे बारह चौबीस छत्तीस अड़तालीस इक्कीस बयालीस तिरठ चौरासी तो इन सब का सम कितना आ जाएगा जोड़ लेना तीन सौ तीस आ जाएगा ठीक है क्यों लिया है क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये भी आपको दोनों वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पर करेंगी रिवर्स करने पर और ऑल पॉसिबल पेयर्स बोले थे इसलिए हमें सबका सम यहाँ करना पड़ा ना एन की बात करते हैं

तो मैं अगर तीन को लेकर करूंगी तो मैं इक्वल नहीं करूंगी यहाँ पर ठीक है हम क्या करेंगे सीधे ओरिजिनल नंबर हमने वही सपोज किया क्या टेन ए प्लस बी ओके अब इन्होंने हमें यहाँ पर एटलीस्ट लगा दिया इसका मतलब कम से कम तो कम से कम इतना तो रखना ही है तो ये बोला क्या कि कितना मोर है ग्रेटर है टू हंड्रेड परसेंट मोर दैट इज हम कह सकते हैं कि तीन सौ परसेंट के ऊपर सारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है तीन सौ एक तीन सौ दो एंड सो ऑन चार सौ पाँच सौ जो भी हो कोई भी वैल्यू हो एग्जिस्ट करेगा बट हमारा एक चीज नहीं कॉन्ट्रीड्यूट करना चाहिए क्या ए और बी आपके जीरो टू नाइन ही पॉसिबल होंगे ये बात ध्यान रखना जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है अब देखिए क्या ये ग्रेटर होगा किस्त से जब इसको इंटरचेंज करेंगे दैट मीन्स टेन बी प्लस ए से और किस कितना टू हंड्रेड एंड परसेंट मोर मतलब कि थ्री हंड्रेड एंड परसेंट तो हम थ्राइस कर सकते हैं इसका समझ में आई ये बात कि नहीं श्री प्रिया, आ, प्रिया ए बी बी ए दोनों लेंगे क्योंकि इन्होंने ऑल पॉसिबल पेयर्स की बात करी है जो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों से ही यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वजह से हमने लिया है अब एन वाले में हम ये चीज कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ए बी के लिए जो फॉलो करेगा वो बी ए के लिए कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा बताऊंगी अभी कैसे कर सकते हैं हिंदी में ठीक है पर इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा आई बात समझ में अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी ग्रेटर देन थर्टी बी प्लस थ्री ओके टेन में से थ्री गया सेवन ए आ जाएगा ग्रेटर हो जाएगा ये आपका ट्वेंटी नाइन बी से ओके okay, तो अब हमें यहाँ पर बी की ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेगी अगर मैं बी को वन लूँ सपोज लेट बी इज इक्वल टू वन तो सेवन ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा ट्वेंटी नाइन मतलब सेवन के ऐसे मल्टीपल जो ट्वेंटी नाइन से यहाँ पर बड़े हों वो हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे ठीक है तो अब एक चीज बताओ सात चौंक अट्ठाईस ठीक है तो सात पच्चे पैंतीस हो सकती है सेवन ए की वैल्यू सात छयालीस सात सत्त्य उनचास सात अट्ठे छप्पन सात नए तिरसठ ठीक है तो अगर मैंने ये लिया तो ए क्या हो जाएगा सात पच्चे पैंतीस तो सेवन इज इक्ल तो टू थर्टी फाइव फाइव हो गया सात छयालीस सात सत्ते उनचास सात नरेसठ छप्पन सात तिरसठ और अगर मैंने सत्तर को लिया तो सेवन टेन मीन ए की वैल्यू टेन हो जाएगी तो सेवेंटी पॉसिबल नहीं है तो बी इज इक्वल टू वन रखने पर ए की आपकी इतनी वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं हा सिक्स थ्री लेंगे तो नहीं होगा यही चीज मैं बता रही हूं श्रीप्रिय सेकेंड वाले में आपकी ये चीज पॉसिबल यहां पर नहीं होगी ठीक है श्री प्रिया यहां पर हम लेते यहां पर क्या बोला है सच पॉसिबल पेयर्स ठीक है यहाँ पर बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर एग्जिस्ट मतलब कि जितने भी पेयर आपके बन रहे हो रिवर्स ऑर्डर में भी और ओरिजिनल वाले में भी दोनों में ऑल पॉसिबल पेयर्स तो ऑल पॉसिबल पेयर्स में तो आपका ये भी पॉसिबल यहां पर होगा ठीक है ये बी ए के केस में एग्जिस्ट कर रहा है बी ए के केस में ठीक है अब इधर देखो क्या ये नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर सिर्फ नाइन तक ही जाएगा सिक्सटी थ्री तो हम कह सकते बी इज इक्वल टू वन पर ए की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है अगर मैं बी इज इक्वल टू टू बोलू तो इससे आओगे तो सेवन ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सेवेंटी नाइन इंटू टू दैट इज फिफ्टी एट तो फिफ्टी एट से ऊपर सेवन के मल्टीपल क्या होंगे सात अठे छप्पन कम हो गया सात नहीं तिरसठ और सात दम सत्तर नहीं हो सकता बिकॉज ए टेन हो जाएगा इस केस में तो सेवन ए इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री पॉसिबल है डेट मीन ए इज इक्वल टू नाइन बी इज इक्वल टू टू तो अब सारे यहाँ पर पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे आप बताओ इस वाले केस में तो इस वाले केस में अगर मैं बी वन रखूँ और ए को फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रखूँ, तो ए बी के केस में क्या हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसके साथ बी वन लग जाएगा तो फिफ्टी वन सिक्सटी वन वन एट्टी वन एंड नाइन्टी वन ये हो गया आपके ए बी के पॉसिबल पेयर बट एक और पॉसिबल है जब बी टू रख रहे हो नाइनटी टू तो ये इसके सारे पॉसिबल पेयर होंगे आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ कोई डाउट है यहां तक आ गई सारी वैल्यू अब इन्होंने पूछा था find the sum of such possible pair. मतलब कि यहां पर इन इन सब का सम कितना होगा निकाल दो 51, 61, 71, 81, 91, and 92. तो जब आप ऐड करोगे सात ठीक है छः पांच ग्यारह सात कितना अठारह अठ आठ सोलह छब्बीस नौ छः पंद्रह पैंतीस और नौ पांच चौदह फोर फोर्टी सेवन ये आ गया अब यहाँ पर m और n की वैल्यूज आपकी आ गई हैं फर्स्ट बोला है एम प्लस एन इज डिवाइडेड बाय थर्टीन तो एम प्लस एन एम की वैल्यू कितनी आई थी आपकी थ्री कितनी आई थी थ्री समथिंग आई थी थ्री थर्टी और इसमें फोर फोर्टी सेवन एड करोगे सेवन चार तीन सात सात चार तीन सात किससे डिवाइड करोगे इसको थर्टीन से डिवाइड करोगे तो तेरह पंचे पैंसठ ठीक है पैंसठ ये हो गया फिर सात पांच बारह वन ट्वेंटी सेवन थर्टीन नाइन सा तो कितना बचेगा दस बचेगा तो पहला वाला एकदम करेक्ट है यूनिट डिजिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन की पावर थर्टी वन इज इक्वल टू थ्री ओके इसको अगर हम यहां पर देखें तो अब पेन चेंज कर दू नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा खिचड़ी से बन गई ना अब m और n का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितना 447 का डिफरेंस किससे 330 से थ्री थर्टी सेवन की पावर 31 करोगे, मतलब 7 की पावर वन सेवन तो 7, 7 की पावर टू सात सौ सेवन की पावर 2, 67, 49. 7 की फोर्टी 2, थ्री सेवन की पावर फोर सात इक्कीस वन सेवन की पावर फाइव सेवन वन 5, सेवन रिपीट हो रहा है मतलब कि फोर की साइकिल पर रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर को कर दो फोर से डिवाइड चार सत्ते अट्ठाइस आठ तीन ग्यारह तीन रिमाइंडर बचा यूनिट डिजिट इज थ्री जीरो के केस में ऐसा नहीं होता जीरो होता तो जितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है उसकी पावर में देख लो क्या यूनिट डिजिट आ रही है वही आपका वहां पर आंसर होता है आई बात समझ में अब इसके बाद थर्ड वन इज तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट एलसीएम ऑफ एम माइनस थर्टी ओके तो एम माइनस थर्टी थ्री थर्टी माइनस थर्टी थ्री हंड्रेड एंड फोर फोर्टी सेवन माइनस फोर्टी सेवन फोर हंड्रेड इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ बारह सो इज ट्वेल्व टाइम्स मोर देन दियर एथसीएफ तो एससीएम कितना होगा सौ सौ निकाल दो चार यहाँ पर हंड्रेड ही होगा तो ये मोर देन तो नहीं है हाँ ट्वेल्व टाइम्स दैट दिस वन इज हैल्सो रॉन्ग पेड़ में सही कर लेना जल्दबाजी में मैंने मोर देन में यहां पर करेक्ट कर दिया था बट ये मोर देन का मोर देन बोल रहा है ट्वेल्व टाइम्स मोर मतलब थर्टीन टाइम्स होगा दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग ओनली वन एंड टू आपका यहां पर करेक्ट होगा आई बात समझ में ठीक है अब चलो हम लोग डी पर चलेंगे यहाँ पर ये रही आपकी डी बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है आज कराने का लेकिन मैं करवा करवा देती हूँ क्योंकि तो जो स्टूडेंट्स आते हैं डेली उनके लिए तो करवाना है उनका लॉस नहीं करना और अब कोई मेंस की क्लास के लिए कहेगा नहीं ठीक है क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं ज़्यादातर सब पेड में हैं ना बढ़िया क्वेश्चन है ये कम लाइन्स हैं लेकिन जो भी लाइन्स हैं पूरा आपका रिवाइज करा देगी टाइम एंड वर्क इसको एक बार ट्राई करो थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ एक बार रीड तो कर लो डन देन बोल देना जब समझ में आ जाए थोड़ा सा डन आ रहा है समझ में चलें सॉल्व करते हैं अब इसको ठीक है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये इन अ कंपनी देयर आर टू टीम्स ठीक है तो टीम वर्क यहाँ पर हो रहा है आपका दो टीम है एक टीम में डिवाइड किया है अरुण एंड वरुण को वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट पीवन तो पी वन की जब बात होगी तो इसमें अरुण और वरुण काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट टू की जब बात होगी तो तरुण कर आ, इन्होंने बोला है प्रोजेक्ट टू में कौन कौन है यहाँ पर थ्री मेंबर्स हैं अरुण, करण एंड अजय तो ये तीन मेंबर्स क्या हैं आपके प्रोजेक्ट पी टू में काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन डी या प्रोजेक्ट पी वन अरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क एंड लोन तो अरुण की अगर हम पी वन की बात करें यहाँ पर तो इसमें अरुण है और साथ में कौन है वरुण है ये करता है कितने दिन में काम थ्री क्यू ओके एंड दिस इज पी डेज ये दिया हुआ है हमें P2 के अब इतना ही पता था ऑन एवरी सेकेंड डे बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहीं पर बोला कि एवरी सेकेंड डे अरुण रेस्ट करता है एंड एवरी थर्ड डे वरुण रेस्ट करता है ओके okay? ये हो गई बात P1 की आगे बोला है कि एक्जेक्टली exactly, तो अब इसके बाद क्या होता है जब इस तरह से काम चलता है सो द प्रोजेक्ट इन कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली पी बाय टू प्लस आर प्लस नाइन डेज तो इसके हिसाब से जब चलते हैं तो जो टोटल वर्क है वो इतने डेज में यहाँ पर कंप्लीट होता है क्लियर अब बात करते हैं पी टू की अब देखो पी वन से मेरे को कोई लिंक नहीं मिल रही ऐसी कि मैं इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करूँ तो पी टू को पढ़ेंगे हो सकता है पी टू से हमें यहाँ पर कोई लिंक मिल जाए तरुण एंड करण टूगेदर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुगेदर इन ऑल्टरनेट मैनर स्टार्टिंग विद तरुण तो तरुण और करण ये दोनों ऑल्टरनेट मैनर पर क्या करते हैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कौन करता है तरुण काम करता है ओके एंड टोटल डेज ये कितने लेते हैं मिलकर ये लेते हैं टू आर प्लस थर्टीन बाय थ्री डेज टोटल डेज इनको ये मिलते हैं ओके वाइल करण और लोन वर्क इन आर प्लस फिफ्टीन डेज तो अगर अलोन का देखें तो ये आर प्लस फिफ्टीन डेज में काम खत्म कर देता है तरुण सेम काम को कितने दिन में करता है ये चालीस दिन में काम खत्म कर देता है अब सुनो बात मेरी ऑल्टरनेट का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी आपको इंडिविजुअली ना दे रखा हो और बोला हो तरुण ने काम स्टार्ट किया तो तरुण करण तरुण करण तरुण करण तरुण करण ओके okay. तो अगर हम यहाँ पर देखें एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब पहले हम क्या करते हैं अगर ये एक इवन नंबर होता तो हम इसको अगर टू से डिवाइड करते तो ये इक्वली डिवाइड हो जाता तो हमें पता लग जाता कि तरुण ने और करण ने दोनों ने सेम सेम नंबर ऑफ डेज यहाँ पर काम किया हुआ है लेकिन अगर हम डिवाइड करें और कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो एक्स्ट्रा वाले जो डेज होंगे वो हम किसको देंगे तरुण को देंगे बिकॉज स्टार्ट किसने किया है तरुण ने किया है तो ये एक दिन या जो भी एक्स्ट्रा होगा वो तरुण ले जाएगा कैसे अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ये डेज है क्लियर ध्यान से सुनना टू आर लिखा हुआ है तो टू आर इसको रहने दू थर्टीन बाय थ्री को हम क्या लिख सकते हैं तीन चौको बारह दैट इज फोर प्लस वन बाय थ्री ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ ओके अब ये क्या है एक इवेन नंबर है तो मैं इसको आधा आधा, आधा बांटू टू आर प्लस फोर को कितना होगा आधा करोगे आर प्लस टू ठीक है तो एक आर प्लस टू इसका इधर आ गया एक आर प्लस टू इधर आ गया ये है तरुण और ये है आपका करण ओके अब ये जो प्लस वन थ्री वन बाय थ्री हम किसको देंगे जिसने काम को स्टार्ट किया है आई बात समझ में बताओ कोई डाउट यहां तक ये बात क्लियर होती है कि नहीं देव देखो अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए मैं एक नया कोर्स लॉन्च करूंगी बेसिक टू एडवांस ठीक है बाकी रुद्रा आया है रुद्रा अगर आप पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो बहुत बेस्ट है और अगर आप क्लर्क मेंस के लिए कर रहे हो तो अभी उसका बैच न्यू चल रहा है स्टार्ट हुआ है अभी ठीक है एक दिन पहले क्लियर है ना मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं बताओ इतना समझ में आ गया कि करण ने कितने दिन काम किया आर प्लस टू डेज और तरण ने इतने दिन काम किया होगा अब मुझे एक बार बताओ actual, अगर हम पार्ट ऑफ वर्क जाए फ्रैक्शन मैथर्ड मैंने आपको बताया था क्योंकि यूजली यही काम आता है जब हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज होती हैं जब हमें उसमें दी होती है वेरिएबल्स में और हमें टोटल वर्क का आता पता नहीं होता तो हम पार्ट ऑफ वर्क की बात करते हैं पार्ट ऑफ वर्क क्या होता है सपोज ए और बी ठीक है ए अलोन करता है चालीस दिन में बी अलोन करता है तीस दिन में बट ए ने काम किया सिर्फ पंद्रह दिन तो पार्ट ऑफ वर्क क्या हो गया ए को काम करना था चालीस दिन में पूरा बट उसने किया पंद्रह दिन दैट मीनस पार्ट ऑफ वर्क जो ए ने कंप्लीट किया वो फिफ्टीन बाय फोर्टी अब बी को काम करना था तीस दिन में ये अकेले काम पूरा कंप्लीट कर लेता है बट इसने काम किया सिर्फ बीस दिन तो हम कह सकते पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी ट्वेंटी बाय थर्टी इसने इतना वर्क किया ये जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में ठीक है बिल्कुल कुछ नहीं पता ठीक है अभी हमें कुछ नहीं पता है ये सब ये अभी हम निकालेंगे ओके अब देखो क्या मुझे तरुण के बारे में पता है कि अलोन काम करता है चालीस दिन में काम खत्म कर देता है तो अगर मैं बात करूं अरुण ने ने काम किया तरुण ठीक है और कितना टोटल चालीस दिन में खत्म कर देता है प्लस तरुण ने वन बाय थ्री डे और काम किया बट ये टोटल काम चालीस दिन में खत्म कर देता है तो फ्रैक्शन में पार्ट ऑफ वर्क तरुण के द्वारा किया गया ये हो गया प्लस करण ने कितना काम किया टोटल काम करण आर प्लस फिफ्टीन डेज में कंप्लीट करता है बट कितना पार्ट किया करण ने आर प्लस टू पार्ट किया और फ्रैक्शन में टोटल वर्क किसके इक्वल होता है वन के इक्वल आई बात समझ में कि नहीं अरे बाबा जब भी कोई बंदा काम स्टार्ट करता है और अगर आपका इवेंट नंबर ऑफ डेज होते तो हाफ हाफ दे देते दैट मीन इक्वली दोनों ने काम किया होता लेकिन जब भी ऑड होगा तो भाई जिसने पहले शुरू किया उसी को तो सब पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी मान लो ए ने शुरू किया बी ने ए बी इवेंट नंबर खत्म हो गए खत्म हुआ तो किस पे खत्म हो रहे है बी पे खत्म हो रहे है? मतलब जब ऑड नेक्स्ट शुरू होगा तो ए की बारी आई तो तरुण ने काम स्टार्ट किया था तो अब ये जो तो एक्स्ट्रा वर्क ये किसने किया होगा तरुण ने किया होगा हो तो तरुण की बारी आई कि नहीं आई सिंपल ऐसा समझो आई बात समझ में कि नहीं अब आया यही तो यहां पर मेन चीज समझने वाली थी श्री प्रिया आई बात समझ में अब हमारे पास बस एक टारगेट है इसको सॉल्व करना अगर आपने इसको ढंग से सॉल्व कर लिया देन आपके पास कुछ नहीं बचेगा अब मैं क्या करूं इसको सॉल्व करते हैं चलो तो थो थोड़ा सा स्मार्ट वे से ओके अब यहाँ पर देखो मैं कोई ऑप्शन तो सेटिस्फाई करा नहीं सकती है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों में से आर प्लस टू कॉमन ले लेते हैं जब आर प्लस टू कॉमन लिया तो नीचे क्या आ जाएगा आपका वन बाय फोर्टी और वन अपॉन आर प्लस फिफ्टीन तो फोर्टी आर प्लस फिफ्टीन ऊपर क्या हो गया आपका एल्सियम तो आर प्लस फिफ्टीन और इधर वन बचा तो इधर तो आर प्लस फिफ्टीन ही रहा बट इधर क्या रहा आपका फोर्टी हो गया तो मतलब प्लस का फोर्टी और एक पटे चार तिया बारह एक सौ बीस तो इधर हो जाएगा वन माइनस वन ट्वेंटी यही तो आएगा आई आए बात समझ में चलिए इसको सॉल्व करना है आगे तो 120 है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 119 सौ उन्नीस बटे एक ही तो लिखेंगे हम इसको 119 सौ उन्नीस बटे एक यही तो होगा आ रही बात समझ में ओके अब ऊपर वाली बात आती है कि यार अब हम इसमें और क्या करें तो ये क्या है आर प्लस चालीस प्लस पंद्रह तो मैं इसको आर प्लस पचपन कर दू फिफ्टी फाइव प्लस आर और ये क्या है आपका आर प्लस टू ओके और अपॉन में क्या है फोर्टी आर प्लस फिफ्टीन और इधर क्या है एक सौ बीस यही तो दिख रहा है क्लियर अब क्या करें यार हम इसको काट देना चार से चार बारह तीन बार कट गया ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फिफ्टी फाइव आर दैट इज फिफ्टी सेवन आर और प्लस आर दो पचपन दोनों कितना होता है एक सौ दस ये बन गया और इधर क्या है तीन का मल्टीपल आगे क्या एक सौ उन्नीस तो ये हो गया वन हंड्रेड नाइनटीन आर प्लस इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए ठीक अब क्या है यार एक आपकी ये बनेगी क्वाड्रेटिक आर की वैल्यू निकाल लोगे कैसे बनी थ्री आर स्क्वायर ये रहा प्लस तीन सत्तेस तीन पच्चे पंद्रह सोलह सत्रह आर प्लस थ्री थर्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड नाइनटीन आर प्लस का सत्रह सौ पचासी अब वन सेवेंटी वन में से एक सौ उन्नीस जब माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कितनी ग्यारह में से नौ गया दो और यहाँ पर छ में से एक गया पाँच फिफ्टी टू आर एंड दिस इज थ्री आर स्क्वायर प्लस फिफ्टी टू आर और ये है प्लस का ये माइनस का तो जब ये इधर बड़ा वाला आएगा तो कहेगा भाई मैं बड़ा तो माइनस लगेगा तीन सौ तीस इसमें से हटा दो फाइव एट में से थ्री या फाइव सात में से तीन गया चौदह सौ पचपन टू जीरो पर क्वाड्रेटिक एक तरह से बन गई अब इसके फैक्टर कैसे करने हैं कौन बताएगा बताओ जल्दी से तीन से कटेगा नहीं है. अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो बताओ आप लोग क्या फैक्टर्स इसके बन सकते हैं बाद में तीन से डिवाइड भी करना है इतना ध्यान रखना जब भी फैक्टर निकालने ना है ना तो आप क्या करो इसको ब्रेक करके देखा करो एक तरह से आपका क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो गया बिल्कुल वेरी गुड रोहित बहुत सही 97 एंड 45 इसके फैक्टर बनेंगे और प्लस माइनस लगाओ तो प्लस का ये और माइनस का फोर्टी फाइव रहा होगा और डिवाइड बाय थ्री करोगे तो जब आप फैक्टर्स बाहर निकालोगे तो आर की एक वैल्यू नेगेटिव आएगी नाइनटी सेवन इसको हटा दो पॉजिटिव वैल्यू लोगे दैट इज फोर्टी फाइव बाय थ्री तो आर की वैल्यू आपकी फिफ्टीन आ जाएगी यहाँ पर क्लियर अब फैक्टर कैसे हुए जिनको नहीं आता वो देखें ठीक है चौदह सौ पचपन आपका दिया हुआ है गुड़े तीन इसके फैक्टर करने तीन चौको बारह तीन ऑटे चौबीस तीन और निकालो तो थ्री थ्री जो नाइन इसको काटो तीन चौको बारह कितना बचा है यहाँ पर पच्चीस बचा तीन ऑटे चौबीस तीन बचे पंद्रह ये आ गया और क्या इसमें काट सकते थे हम फाइव बाहर निकालो तो नाइन इंटू फाइव पाँच है पैंतालीस और ये हो गया कितना पैंतालीस और पाँच सत्ते पैंतीस तो नौ पच्चे पैंतालीस और सैंतालीस बन गए कि नहीं फैक्टर्स के और इन दोनों का सम करोगे तो कितना है सॉरी सत्तावनवे में से पैंतालीस माइनस करोगे तो बावन आएगा क्यों यहाँ पर हम नेगेटिव ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव ने साइन है तो हम फैक्टर्स का क्या लेंगे यहाँ पर डिफरेंस लेंगे ओके अब सिंपल है आगे बोला है क्या कि वैल्यू ऑफ इज थ्री मोर देन थ्राइज ऑफ वैल्यू ऑफ आर सारी वैल्यूज निकाल लोगे यहां पर ठीक है तो अब मैं ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना इसको हटा रही हूं बिकॉज अब इसमें कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं था कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए स्मार्टली करना अगर आप नहीं कर पा रहे हो फिर तो दिक्कत वाली बात है आर की वैल्यू आई है आपकी फिफ्टीन आर okay. फिफ्टीन है तो तरुण करुण को कितने टाइम लग जाएगा पंद्रह पंद्रह तीस ओके और इस सब की भी कोई जरूरत नहीं है अब हमें जगह खाली कर दूं जो तो थोड़ा सा घिचपिच कम रहती है। अब देखिए इधर अब हमें R की वैल्यू पता लग गई 15 P कितना आ जाएगा P इज इक्वल टू थ्री मोर देन थ्राइज ऑफ वैल्यू ऑफ R तो वैल्यू ऑफ आर पंद्रह पैतालीस दिन अड़तालीस हो गई पी की वैल्यू क्लियर अब आगे बताइए इन्होंने कहा कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मुझे पी पता है आर पता है बट अभी क्या नहीं पता क्यू नहीं पता ठीक है तो क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी कैसे निकालेंगे बताओ क्यू अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा क्यू होना चाहिए ओके तो अब हम प्रोजेक्ट पी पर जाएंगे तो पी पर जब हम जाएंगे तो अरुण पी दिन में करता है और व, वरुण थ्री क्यू प्लस फोर्टी डेज में यहां पर काम करता है तो अब हम चलते हैं क्या कि फर्स्ट डे सेकेंड डे के अकॉर्डिंग कि ये लोग कैसे यहां पर काम करेंगे ओके देखो कैसे अगर अरुण ने अरुण फर्स्ट डे की बात करें ठीक है हम लोग अब इस चीज को समझेंगे कि एवरी थर्ड सेकेंड डे अरुण रेस्ट करता है एंड एवरी थर्ड डे वरुण रेस्ट करता है जब हम फर्स्ट डे की बात करेंगे गाइस तो फर्स्ट डे क्या हुआ इन्होंने बोला क्या कि इफ अरुण एंड वरुण वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर टुगेदर तो मतलब पहले दिन क्या हुआ होगा दोनों ने साथ में काम किया होगा अरुण और वरुण ने प्रोजेक्ट वन की बात हो रही है ये ठीक है पी वन पे चल रहे हैं नेक्स्ट डे एवरी सेकेंड डे अरुण रेस्ट कर रहा है तो सेकंड डे कौन काम कर रहा होगा अरुण तो रेस्ट पे चला गया तो अब सेकेंड डे काम कर रहा होगा वरुण क्लियर अब थर्ड डे क्या होगा एवरी सेकंड डे अरुण रेस्ट कर रहा है तो सेकेंड डे रेस्ट करके थर्ड डे अरुण आ गया बट वरुण एवरी थर्ड डे रेस्ट कर रहा है मतलब पहले दिन काम करेगा दूसरे दिन वरुण काम करेगा तीसरे दिन वरुण एबसेंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ अरुण ने यहाँ पर काम किया क्लियर इसके बाद फोर्थ डे ये ऐसी है ना आपकी पूरा एकदम टाइम एंड वर्क का अच्छा रिवीजन ये पता है क्यों करवाते हैं हमें कोई कुत्ते ने नहीं काट रखा है कि हम यहाँ यूट्यूब पर इतना टाइम वेस्ट करें ठीक है क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जो एग्जाम में आएगा ना वो कर पाओगे वरना ना हिलता नहीं है ना डेटा सफिशियंसी हो पाती है पिछली बार इतना रोकर सब आए थे जबकि डेटा सफिशियंसी डुएबल थी कर सकते थे आप लोग सर दर्द नहीं है फोर्थ डे दे, अब देखो चौथे दिन कौन आएगा भाई अरुण अब रेस्ट पे जाएगा ठीक है तो फोर्थ डे कौन आएगा वरुण आएगा बिकॉज वरुण वरुण क्यों आएगा पे क्योंकि तीसरे दिन ने रेस्ट ले लिया अब वरुण दो दिन तक लगातार काम करेगा फिर तीसरे दिन रेस्ट लेगा तो फिफ्थ डे कौन आएगा अरुण ने रेस्ट ले लिया था कि नहीं यहाँ पर सेकेंड डे तो अब अरुण आ जाएगा और वरुण को तो दो दिन लगातार काम करना ही है तो वरुण ने यहाँ छुट्टी ले ली मतलब वरुण तो एवरी थर्ड डे छुट्टी ले रहा है तो यहाँ पर ने वरुण ने काम किया और प्लस यहाँ पर भी वरुण ने काम किया बट जैसे ही सिक्स डे आया तो अरुण के लिए वो सेकेंड डे हो गया तो अरुण ने यहाँ पर छुट्टी ले ली और वरुण के लिए ये थर्ड डे हो गया वरुण ने भी छुट्टी ले ली मतलब अगर हम पूरे सिक्स डेज देख का देखें यहाँ पर ठीक है तो सिक्स डेज में आपको पता लग रहा है क्या कि यहाँ पर सिक्स डे कोई भी आपका काम नहीं कर रहा है ये बात समझ में आ रही है कि नहीं अगर हम इस सिक्स डे के हिसाब से देखें तो इन छह दिनों में कितने दिन अरुण ने काम किया कितने दिन वरुण ने काम किया ये पता है इस पर मैंने छोटी छोटी आपकी क्वेश्चन करवाए हैं रुद्रा टू में जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि जब एवरी सेकेंड डे रेस्ट कर रहा है थर्ड डे रेस्ट कर रहा है इस पर कभी कभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आई बात समझ में एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें ठीक <coughs> है अब देखो सिक्स डे का हम पूरा सिनेरियो निकालेंगे यहाँ पर कि अरुण ने कितने दिन काम किया और वरुण ने तो अरुण ने कितना एक दो तीन अरुण ने काम किया यहाँ पर थ्री डेज सिक्स डेज के सिक्स डेज के सिनेरियो में एंड वरुण ने कितने दिन काम किया एक दो तीन चार दिन तो चार दिन वरुण ने काम किया आगे बात समझ जब हम सिक्स डेज का पूरा यहां पर निकाल रहे हैं पैटर्न तो इतने इतने दिन इन्होंने काम किया ठीक है और साथ में बोला था जब ये इस तरह से काम करते हैं तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है पी बाय टू प्लस आर प्लस नाइन तो पी और आर दोनों की वैल्यू मुझे पता है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि टोटल ये लोग कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे हैं जब इस तरह से काम कर रहे हैं जब टोटल काम किया तो टोटल वर्क इन्होंने कैसे किया पी सॉरी uh, क्या था ये आपका पी बाय टू तो पी बाय टू पी की वैल्यू फोर्टी एट आई थी तो फोर्टी एट बाय टू आर की वैल्यू थी फिफ्टीन प्लस नाइन तो ये हो गया चौबीस नौ पांच चौदह चौबीस चौबीस अड़तालीस मतलब अड़तालीस दिन में ये ऐसे अगर काम करते तो पूरा काम ये अड़तालीस दिन में इसमें कर लेते ओके अब इसके बाद सुनिए क्या अब आपके यहाँ पर बात आती है कि अरुण ने वर्क किया थ्री डेज और वरुण ने वर्क किया फोर डेज और अगर हम बात करें सिक्स डेज में पार्ट ऑफ वर्क ये तो इन्होंने पूरा काम किया मुझे नहीं पता कि 48 डेज में पूरा काम कर रहे हैं बट ये नहीं पता कितने कितने दिन किसने किया बट मैंने सिक्स डेज का एक निकाल लिया तो सिक्स डेज के हिसाब से इन्होंने कितना वर्क किया 48 डेज में इन्होंने टोटल वर्क किया और इन्होंने सिर्फ सिक्स डेज वर्क किया दैट मीन्स पार्ट ऑफ वर्क डन बाय अरुण एंड वरुण इन सिक्स डेज वन बाय ये बात समझ में आती है कि नहीं पार्ट ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जब वेरिएबल्स दिए होते हैं ना तो पार्ट ऑफ वर्क से ही आपके आंसर आते हैं वहां पर ना आपके एलसीएम मेथड काम आएगा ना कुछ काम आएगा ठीक है ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका ठीक तो हमें पता लग गया अब मैं ये एट डेज इसी के हिसाब से काम करूँ क्यों क्योंकि मुझे पता है अलोन अरुण पी दिन में काम करता है डेट इज 48 डेज में और वन 3Q थ्री क्यू प्लस फोर्टी तो हम क्यों इसको टारगेट कर रहे थे ताकि हम क्यू की वैल्यू निकाल लें और जब Q आ गया तो हम कहीं ना कहीं से जेड की भी वैल्यू निकाल लेंगे हमारा सारा काम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा ठीक है अब देखो क्या हम जहाँ की रहे हैं जैसे जैसे वो बात समझना कैसे कैसे हमने यहाँ पर लिंक किया चीज़ों को वो भी मैटर करता है अब इसको हटा दू मैं ये बात समझ गया आप लोग ठीक है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया मैंने पेड में तो इस पे दो चार पांच क्वेश्चन करवाए होंगे डीआई भी करवाई है <coughs> तभी मैंने लिया था जान पूछ के इस क्वेश्चन को लिया था कि यार चलो भला हो जाएगा एक बार रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले अच्छा अब देखिए हम सिक्स डेज पर काम करेंगे इनके अरुण और वरुण के ठीक है तो अब मुझे बताओ कि अरुण जो है एक्चुअली अरुण ने सिक्स डेज में थ्री डेज अरुण ने काम किया फोर डेज वरुण ने काम किया तो तीन दिन अरुण ने काम किया बट एक्चुअली ये पूरा काम थ्री डेज में कर रहा था दैट इज डेज में काम कर रहा था प्लस फोर डेज किसने वरुण ने काम किया बट एक्चुअली ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा था थ्री क्यू प्लस फोर्टी दैट मीन पार्ट ऑफ वर्क डन बाय अरुण एंड वरुण इन सिक्स डेज इज दस एंड पार्ट ऑफ वर्क अगर दोनों का निकाले सिक्स डेज में कितना आया कंबाइंड वन बाई एट दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन बाई एट क्लियर आई बात समझ में अब आप यहाँ से निकाल दो वरुण ने कितने दिन काम किया आ जाएगा कि नहीं थ्री क्यू प्लस फोर्टी कैसे आएगा बताओ थ्री बाय फोर्टी एट वन बायसटीन तो ये इधर ले जाओगे और इधर कितना आ गया फोर अपॉन थ्री क्यू प्लस फोर्टी क्लियर सोलह चौको चौसठ थ्री क्यू प्लस फोर्टी इज इक्वल टू सोलह चौको चौसठ थ्री क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो क्यू इज इक्वल टू एट क्यू इज इक्वल टू एट थ्री क्यू प्लस फोर्टी दैट इज वरुण ने कितने दिन काम किया तीन आठ रिस चौबीस प्लस चालीस चौंसठ दिन काम किया और अरुण ने कितने दिन काम किया पंद्रह दिन डन आ गई बात समझ में कि नहीं ये बात समझ में आती है कि नहीं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्ट ऑफ वर्क समझ जा रहे हो दैट मीनस क्वेश्चन आप समझ गया पूरा नहीं आठ के ग्रुप नहीं बन जाएंगे वन बाय पार्ट ऑफ वर्क है ये ठीक है इन्होंने कितना पार्ट यहाँ पर वर्क का किया छः दिन में ये चीज निकाली कंबाइंड और यहाँ पर हमने वही चीज करी कि जब ये तीन दिन काम कर रहा है ये चार दिन काम कर रहा है तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हो रहा है कितना हो रहा है यहाँ पर वन बाय एट हो रहा है तो वही ये पार्ट ऑफ वर्क अरुण प्लस पार्ट ऑफ वर्क अरुण इन सिक्स डेज इज इक्वल टू वन बाय एट ओके चलिए अब ये वैल्यू आ गई अब हम किसको टारगेट करेंगे ये आ गया मेरा ये आ गया अब बचता है ये वाला पार्ट क्योंकि ये पता लग जाए तो मुझे अजय अलोन कंप्लीट बिकॉज इस प्रोजेक्ट पर थ्री लोग थे दो का हमने काम कर लिया यहाँ पर तीसरे बंदे का नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसको हम कैसे निकाले तो मेरे को अभी ये टारगेट यहाँ पर बचता है कि कैसे निकालना है तो आप देख लेते हैं इनको लास्ट में क्या है पी बाय सिक्स पी क्यू आर सब पता है मुझे पी बाय सिक्स मतलब फोर्टी एट बाई सिक्स छठ है अड़तालीस क्यू की वैल्यू आई है आठ माइनस आर बाय थ्री आर था पंद्रह पंद्रह तीन बचे पंद्रह प्लस सेवन बाय थ्री हो गया तो आठ में से पाँच गया कितना बचेगा तीन आठ तीन ग्यारह ग्यारह तैतीस तेतीस ते सात चालीस दैट मीन्स फोर्टी बाय थ्री डेज आ गए जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो भाई मेरे को एक बात बताओ अजय के डेज हम निकाल लेंगे कैसे मुझे तरुण का डे पता है कि तरुण टोटल चालीस दिन में काम करता है करण टोटल तीस दिन में काम करता है ये देखो दिया हुआ है एंड तरुण करण प्लस अजय कितने दिन में काम करते हैं चालीस बटे तीन अब सिंपल क्वेश्चन हो गया एलसीएम मेथड से निकालो चालीस तीस का एलसीएम एक सौ बीस तो चार दिया बारह इसकी एफिशिएंसी तीन चौको बारह इसकी एफिशिएंसी और तीनों की मिलाकर कितनी एक सौ बीस बटे चालीस चार बारह तीन रखा नौ ठीक अब मुझे बताओ चार इसकी एफिशिएंसी है तीन इसकी है और नो तीनों की है तो चार तीन सात नौ में से सात गया दो किसकी हो जाएगी अजय की एफिशिएंसी हो जाएगी तो अजय अलोन कितने दिन में काम खत्म करेगा एक सौ बीस बटे दो दैट इज सिक्सटी ये आ गया यहाँ पर तो सिक्सटी और अजय के डेज कितने दिए थे एट जेड प्लस ट्वेंटी तो ये वैल्यू हो गई एट जेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्सटी दैट मीन जेड इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा आ गई बात समझ में कि नहीं Z की वैल्यू भी आ गई अजय के डेज कितने आ गए यहाँ पर सिक्सटी और Z इज इक्वल टू फाइव आ गया क्लियर P तो अड़तालीस ही तो लिया है फाइव कहाँ लिया है P फोर्टी एट ही तो रखा है फोर्टी एट बाय सिक्स रखा है फाइव तो नहीं लिया मैंने ये इसको लिया था फाइव आर बाय ये क्या था आपका आर बाय थ्री था तो आर की वैल्यू पंद्रह थी तो पंद्रह बटे तीन आप जब करोगे तो पांच ही आएगा ना तीन बचे पंद्रह नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन हाउ मेनी डेज अजय कंप्लीट द प्रोजेक्ट पी टू अलोन तो 60 डेज में कर रहा है, ठीक? आगे, इसे करो, वरुण के डेज पता है 64 है, पी वन में, पी वन नहीं पी टू, पी टू अलोन, इसका आंसर करो आज सच में यार, क्लास करवा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रही आज मतलब सोचा था कि काफी लोगों तक अच्छी अच्छी चीजें पहुंचे बट कोई मतलब नहीं यार टाइम टेकन बाय वरुण तो टू कंप्लीट पी वन वाई डेज ठीक है पी वन वाई डेज में कंप्लीट करता है तो प्रोजेक्ट पी वन में वरुण के डेज हम निकाल चुके सिक्सटी फोर पी टू अगर अलोन करे वरुण तो वरुण पी टू प्रोजेक्ट को कितने दिन में कर रहा है वन पॉइंट फाइव वाई दैट इज वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी फोर पंद्रह छो साठ पंद्रह छके नब्बे हो गया 96 सिक्स फॉर द टाइम टेकन बाय वरुण एंड अजय वर्किंग विथ फिफ्टी परसेंट एफिशियंसी तो अजय क्या कर रहा है पचास परसेंट की एफिशियंसी से काम कर रहा है टुगेदर टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट पीटू तो पीटू के लिए वरुण का डेज है इतने और अजय के डेज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने निकाले थे सिक्सटी ठीक अब इन दोनों का क्या करना है आपको एल्सियम ले लेना है तो लेके निकाल दो इसमें कुछ बचा नहीं और अजय की एफिशियंसी फिफ्टी परसेंट कर देना बारह अट्ठे छियानवे बारह पंच साठ ठीक है और देखो तो पान अठे चालीस बारह चौकतालीस चार सौ अस्सी तो कितना हो जाएगा पाँच इकतीस पानवे पैंतालीस पाँच इसकी हो गई और छह अट्ठे अड़तालीस इसका हो गया इसने आधी एफिशिएंसी से काम किया तो फोर एट्टी में फाइव और इसने आधी तो पाँच आधा हो गया तो चार पाँच चार नौ फोर एट्टी बाय नाइन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोई है थ्री थ्री जो नाइन तीन एकम तीन तेज अठारह एक सौ साठ बटे तीन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अभिनीत अगर आप उस वाले तरीके से जाओगे तो मेरे को एक बात बताओ आप टोटल वर्क जब निकालोगे कितना ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे फिर उनको मल्टीप्लाई करके निकालोगे आफत आ जाएगी ठीक है टाइम बहुत लगता है वैसे इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ वेरिएबल के फॉर्म में कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप पार्ट ऑफ वर्क से करो वो अच्छा रहता है मेथड हाउ फाइंड क्यू इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ पी बाय टू तो क्यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी बताओ इसका आंसर कर सकते हो पी हमें पता है तो पंद्रह बटे दो दैट मीन्स फिफ्टीन बाई फोर्टी एट बाय टू तो ये हो गया आपका कितना ट्वेंटी फोर हाउ मच परसेंट ऑफ पी 2 टू तो क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने आठ निकाली थी आई थिंक

क्वेश्चन अकॉर्डिंगली तो हमसे पूछा क्या है एक्चुअली पहले हम वो देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम रॉन्ग नंबर फाइंड करें और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज रॉन्ग नंबर नंबर सीरीज में सम ऑफ करेक्ट करेक्ट रिप्लेसिंग रॉन्ग रॉन्ग मुझे और दोनों चाहिए यहाँ पर पहली चीज तो ये ठीक अब देखो यहाँ पर क्या आपके हंड्रेड में जा रहे हैं सब ठीक है हंड्रेड्स में है तो हम क्या करेंगे भाई सीधे सीधे हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे क्यों डिक्री इंक्रीजिंग सीरीज फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस ये चल रहा है यहां पर तो अब इधर देखो इंक्रीजिंग है तो कितनी है आपकी यहाँ पर ग्यारह में से आठ गया तीन दिस इज प्लस का ट्वेंटी थ्री क्लियर अब इधर देखिए क्या माइनस सात में से चार गया तीन इकतीस दिख रहा है अब इधर देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको फोर्टी वन ओके प्लस का नेक्स्ट वन इज ग्यारह में से आठ गया तीन ये माइनस का फोर्टी थ्री दिख रहा है फिर इधर आओगे तो क्या सत्रह में से आठ नौ सत्रह होता है नौ सत्रह ठीक है और यहाँ पर कितना बचेगा सात में से तीन गया चार तो भाई यहाँ पर गड़बड़ है क्यों क्योंकि पर क्या है आपका ये फोर्टी नाइन आ रहा है ये सारे आपके प्राइम नंबर आ रहे हैं ओके अब देखो क्या हम चेक करेंगे सेकेंड को क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रही है दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस और प्लस सेम आने चाहिए यहाँ पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉलो हो रहा है इधर देखो 11 में से 3, प्लस का 23 दिख रहा है फिर इधर आओगे तो 12 में से नौ गया तीन माइनस का 31 मतलब यहां तक तो सीन सही चल रहा है हमारा आगे आओ इधर देखो कितना आ रहा है द, दो और ते, नौ चार तेरह फोर्टी टू ये तो कहीं से पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज हमारा जो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है प्राइम नंबर्स का दिख रहा है बट मैं ये नहीं कह सकती यहाँ नंबर आएगा तो यहाँ पर 23 के बाद 31 है फिर 41 है बीच के मिस कर दे रहा है मतलब कोई एक प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं बन रहा है बट प्राइम नंबर्स हैं ठीक और दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा भाई फोर्टी वन है तो अगर मैं यहाँ पर फोर्टी वन क्योंकि दोनों सेम इंपोर्टेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्टी वन है तो यहाँ पर भी फोर्टी वन होना चाहिए मतलब गलत समझ में आ गया सेकेंड सीरीज में कौन सा है आपका वन थर्टी टू ओके अगर मैं इधर लिखू रॉन्ग राइट आ, जो भी है ऐसे करके लिख लो सीरीज वन और सीरीज टू में तो रॉन्ग टू में कौन सा आ रहा है वन थर्टी टू और इसको रिप्लेस क्या करेगा जब फोर्टी वन एड करोगे तो इसकी जगह आएगा आपका क्या 131 बिकॉज़ 90 plus 41 131 आपका यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा ओके okay? इसके बाद बात आती है क्या हमें यहाँ पर अब ये हमने सही कर दिया तो इसकी जगह अब हम क्या रखेंगे इसको भूल जाओ इसकी जगह हम 131 रखेंगे मतलब एक ही रॉन्ग है तो बाकी के जो अपकमिंग है वो सारे राइट होंगे कि नहीं होंगे तो 131 ये 84 ये कितने का डिफरेंस देख रहे हो 11 में से 4 गया बचेगा सात माइनस का फोर्टी सेवन और इधर बचेगा प्लस का फिफ्टी थ्री तो एक चीज तो हम समझ गए कि जो एक्चुअल यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रही है वो ये फॉलो हो रही है ठीक क्योंकि भाई हमने जो रॉन्ग था उसको राइट right कर दिया देन जब आगे बढ़ेंगे तो सारे राइट right ही होंगे तो अब यहाँ फोर्टी वन है तो यहाँ ये यह फोर्टी थ्री आ रहा है इन दोनों के बीच इससे ये करेक्ट आ रहा है दैट मीन रॉन्ग कौन 138 आपका रॉन्ग होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर तो 47 आना था क्योंकि दोनों को सेम पैटर्न फॉलो करना था और यहाँ पर 53 आना था प्लस का समझ गए बात को तो रॉन्ग ये क्या आएगा इसकी जगह 11 में से सात गया चार 130 की जगह 38 की जगह आपका 134 आएगा इतना डन आई बात समझ में मतलब कहने का क्या था इनका कि यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बट एक एग्जैक्ट पैटर्न जो बोलते हैं ना हम लाइक इतने का गैप उतने का गैप वो चीज नहीं है प्राइम का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और सेम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा देखना था ओके okay? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या यहां पर होंगे क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे गए एम प्लस टू एग्जैक्टली डिविजिबल बाय थर्टी फाइव वेयर एम इज रॉन्ग नंबर नंबर इन सीरीज वन तो सीरीज वन में रॉन्ग क्या वन थर्टी एट तो वन थर्टी एट में दो ऐड करोगे बाय सात दो चौदह सात पच्चे पैंतीस पांच चौक बीस रिमाइंडर जीरो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है ऑप्शन वन आपका करेक्ट यहाँ पर है नेक्स्ट सम ऑफ करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग रॉन्ग नंबर इन सीरीज वन तो सीरीज वन में करेक्ट क्या है वन थर्टी फोर एंड किससे नंबर इन सीरीज टू तो सीरीज टू में रोंग नंबर कितना है वन थर्टी टू

यस yes, आपका ये ट्वेल्व का परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ओनली वन एंड थ्री आपका करेक्ट यहां पर होगा आई बात समझ में किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में बताइए जल्दी से ठीक है सेकेंड वाले का क्या आएगा थर्टी सेवन थर्टी एट आएगा ठीक है नेक्स्ट वही सीरीज है उसी पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन है अब इसमें देखिए क्या बोला n ये हमें क्वाड्रेटिक दी है x के फॉर्म में और यहाँ पर n नहीं पता तो n के लिए बोला है n इज सम ऑफ करेक्ट नंबर्स रिप्लेसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज इन सीरीज वन एंड टू देन फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो हमें दोनों रूट्स का क्या बताना है यहाँ पर डिफरेंस बताना है तो मेरे को एक बात बताओ अगर हम बात करें आपके करेक्ट नंबर आए थे वन थर्टी फोर एंड वन थर्टी वन दोनों में तो दोनों का सम करोगे वही n होगा दैट इज़ फाइव सिक्स टू 265 अगर मैं n की जगह 265 रख दूं तो मुझे 265 के ऐसे फैक्टर करने हैं उनका सम 58 आ जाए तो 265 में मुझे 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो पांच निकालोगे 5 25 5 25 एंड 5 3 15 और 53 प्लस 5 ही आपका 58 होता है मतलब वन फैक्टर इज 53 एंड सेकंड वन इज 5 तो दोनों का डिफरेंस कितना 48 आपका यहां पर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट इसे करो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है और इस तरह का एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एस में भी दिख रहा है आई स्पेशली पी, पीओ में तो बहुत ही दिखने को मिलेंगे ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज सिक्स वन सिक्स ओके मैंने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर लेट ए एंड बी हैं ठीक है ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगी फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा ओके okay? इसके बाद बात आता है क्या कि इन्होंने कहा कि आ, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना ए इंटू बी इज इक्वल टू सिक्स वन सिक्स इफ द रेशियो ऑफ दियर ऑफ डिफरेंस ऑफ दियर क्यूब्स तो दोनों का क्यूब्स का डिफरेंस क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ठीक है अब बोला है क्या टू द क्यूब ऑफ दियर डिफरेंस ठीक है तो अब इसके बाद बोला है क्यूब ऑफ दियर डिफरेंस मतलब ए माइनस बी का क्यूब दिस वैल्यू इज गिवन वन फिफ्टी सेवन बाय थ्री अब मेरे से कोई ये क्वेश्चन मत करना कि मैम आपने इसको बी माइनस ए क्यों नहीं किया क्योंकि ये भी तो हो सकता था तो भाई हम यहां पर क्या ले रहे हैं आपका क्या ले रहे बताओ हम यहां पर ले रहे हैं आपका रेशियो तो वैसे भी आपको पता है जब माइनस माइनस लेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल यहां पर हो जाएगा ठीक बिल्कुल फॉर्मूला चाहिए तो दोनों का फॉर्मूला आपको अगर ऊपर वाले का पता है तो नीचे वाले की नीड नहीं पड़ेगी कैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी और ए बी की आपको वैल्यू पता है तो हम ऊपर वाले में फॉर्मूला रख देंगे क्या हो जाएगा बताओ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना है आपका ए माइनस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर क्यों क्योंकि ये तो वैसे ही चला जाएगा और इधर कितना है वन फिफ्टी सेवन बाय थ्री ठीक अब देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या होगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यही तो होगा क्लियर इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो इसमें अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपने जानते होंगे कि हमें क्या करना पड़ता है हम एक वेरिएबल यहाँ पर लेट करेंगे क्या आपको ए बी की वैल्यू तो पता है ठीक है यहां से मुझे ए बी की वैल्यू पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैंने लेट कर लिया क्या मेरे से पूछा क्या है दोनों संख्याओं का एडिशन का फिफ्टी परसेंट बता दो मतलब मुझे ए प्लस बी चाहिए कैसे तैसे मेरा ये आ जाए ठीक अब मेरे को एक बात बताइए आप मैंने लेट किया क्या हमने तो जगह के रखोगे तो ये प्लस ए बी अपॉन में के माइनस टू ए बी ए बी की भी वैल्यू रख दो सिक्स वन सिक्स एंड दिस इज टू इंटू सिक्स वन सिक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी सेवन बाय थ्री कभी भी इसको मल्टीप्लाई करने मतलब जाना ठीक थ्री के इधर हो जाएगा और इधर वन फिफ्टी सेवन के आएगा तो वन फिफ्टी सेवन में से थ्री माइनस करोगे तो बचेगा वन फिफ्टी फोर के ओके और साथ में हम क्या लेंगे यहाँ पर टू इंटू वन फिफ्टी सेवन इंटू सिक्स वन सिक्स माइनस का सॉरी प्लस का थ्री इंटू सिक्स वन सिक्स तो सीधे सिक्स वन सिक्स ले लो कॉमन अंदर आएगा दो सत्ते चौदह दो पंचे दस ग्यारह दो और एक तीन और यहाँ पर तीन और ये कितना हो जाएगा आपका इधर आ, ये हो जाएगा वन फिफ्टी फोर के अब देखो ये चार चौक सोलह चार वैल्यू आपके पास आ गई कितनी चार तीन सात तो तीन सौ सत्रह को आप जब चार से मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी चार सत्ते अट्ठाईस चार एगम चार दो छह चारिया बारह के मेरे पास आ गया मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई तो मैं यहाँ पर लिख दू ठीक क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के एंड के हमने यहाँ पर निकाल लिया है, है बात समझ में अब हमसे पूछा था ए प्लस बी तो भाई मेरे को बताओ ए प्लस बी चाहिए और ए भी मेरे को पता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी पता है तो सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओके तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ट्वेल्व सिक्स एट एंड टू ए बी का मतलब दो छाक बारह दो एकम दो तीन दो छाक बारह दोनों को ऐड करोगे आठ दो दस छः तीन नौ दस ये हो गया पच्चीस सौ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी आपको ये मत कहना कि ए प्लस बी माइनस फिफ्टी क्यों नहीं लिया ठीक इतना तो अंडरस्टूड होगा और इसका पचास परसेंट करोगे तो पच्चीस आपका आंसर यहां पर हो जाएगा आए बात समझ में बताओ क्लियर हुआ है इतना किसी को डाउट यहाँ तक ठीक है ट्वेंटी फाइव अब हम प्लस का फिफ्टी ही लेंगे रीजन ये है कि ए एंड बी बोध आर पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप सम करोगे देन वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी दैट्स वाई हमने यहाँ पर माइनस का फिफ्टी कंसीडर नहीं किया ठीक अगर ये सिर्फ इंटीजर कहता तो हम कह सकते थे कि ये प्लस का फिफ्टी भी हो सकता था या माइनस का फिफ्टी भी हो सकता था ठीक है चलो इस तरह के क्वेश्चन आपके शायद ट्वेल्थ में या देखने को मिले होंगे आपको ये बहुत ही बेहतरीन डी है ठीक है थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ एक बार रीड कर लो डन बता देना फिर मैं स्टार्ट करूँगी सॉल्व कराना बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लॉस्ट प्रलिम्स एडमिट कार्ड आई के साइट पर बात करो आप ठीक है एक बार वेरी गुड श्रीधर चार है वही बीस क्या था हिंदी में पी की वैल्यू क्या निकाल रहे हो तुम लोग जोरो का ठीक है अभिनीत पी सिक्सटीन नहीं आएगा सिमरन ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव आएगा ओके okay? सबसे पहले आपको यहां से स की वैल्यू टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड से हमारी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी ठीक आगे जो भी कहानी है हमारी वो क्या है इनमें है ओके okay? छोटा सा दिया है डुएबल है बिल्कुल ये ओके okay? बस समझना है हल्का फुल्का तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज होंगे और ऐसे ऐसे केसलेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एग्जाम में

यहाँ पर अब इसको क्या कर सकते हैं सोलह पंचअसी और गुणे दो और ये हो गया आपका फाइव ऐसे फैक्टर की सात डिफरेंस आ जाए तो सोलह दोनों बत्तीस कर लो और फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव कर लो तो बारह पांच सात बिल्कुल यहाँ पर क्या है इन दोनों का डिफरेंस सेवन आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहा होगा प्लस का ट्वेंट थर्टी टू एंड माइनस का ट्वेंटी फाइव तो फैक्टर पी के क्या हो जाएंगे माइनस का थर्टी टू एंड प्लस का ट्वेंटी फाइव बोला है पी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो सॉरी टू पी स्क्वायर है तो आपको दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा बिकॉज यहां पर स्क्वायर के साथ आपका यहाँ पर कॉफिशियंट दिया हुआ है सो so, ये वैल्यू नेग्लेक्ट होगी नेगेटिव में है तो आपका पी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इज करेक्ट क्लियर इसके बाद बात आती है सेकेंड पॉइंट की थ्री क्यू स्क्वायर माइनस इलेवन क्यू माइनस फोर थर्टी फोर ओके अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं अब यहाँ पर कुछ कटवट तो रहा नहीं है तो हमें पूरा ही लेके चलना पड़ेगा ओके और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अगेन अब फोर थर्टी फोर ओके तो फोर थर्टी फोर में से मैं टू बाहर निकाल लू तो दो दो नहीं चार दो एकम दो और दो सत्तर चौदह ये आ गया यहाँ पर इन टू कितना हो जाएगा आपका थ्री ओके इनके फैक्टर करने अगेन यहाँ से सात निकालोगे तो दो सात इक्कीस सात एकम सात और तीन ती, इकतीस प्राइम हो गया तीन दोनों 6 सत्य बयालीस बयालीस और इकतीस का देखो बिल्कुल डिफरेंस ग्यारह आ रहा है तो फर्स्ट इज फोर्टी टू माइनस का फोर्टी टू रहा होगा और प्लस का थर्टी वन तभी जाके माइनस का ग्यारह आया होगा तो क्यू के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 42 और क्वाड्रेटिक भी रिवाइज हो गई आपकी ओके और तीन से कर दो डिवाइड ये दोनों फैक्टर हुए ये तो चला गया वैसे ही ये कितना आएगा चौदह तिया बयालीस तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फोर्टीन डन ओके अब चलते हैं क्या थर्ड पॉइंट पर कि थर्ड वैल्यू हमें कैसे यहां पर निकालनी है तो आर के बारे में क्या बोला है आर वन आर टू इसके रूट्स होंगे ठीक है और आर वन जो बड़ी वैल्यू होगी वो आर वन को देंगे छोटी वैल्यू आपकी आर टू को देंगे इन्होंने बोल दिया अब 210 के फैक्टर आप करोगे तो कैसे यहाँ पर दो के फैक्टर करोगे बताओ कि आपका उन दोनों का सम थर्टी आ जाए तो आपको पता है ट्वेंटी वन टेन है ट्वेंटी वन टेन थर्टी वन होता है तो एक फैक्टर आ आ गया गया और एक 10 आ गया। मतलब R की वैल्यू और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी आर वन बड़ा था ना तो ये हो गया दस ठीक तो पी क्यू आर वन आर टू हमारे यहां पर फाइनल हो गए आई बात समझ में क्यूब में कौन सा कहा पर जब नॉर्मल ऐसे बोलेगा तो आपको क्या करना है वहाँ पर जब भी सरफेस एरिया की क्यूब की बात होगी तो आप हमेशा सिक्स स्क्वायर लोगे ठीक है जब तक कुछ मेंशन ना करें स्पेशली ठीक हमेशा इसे ध्यान रखिएगा इसको हटा देते हैं ठीक अब इसे पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि वेरिएबल्स काफी आपको मिल चुके हैं जो हमें यूज करने हैं क्वेश्चंस भी अच्छे हैं इसके काफी तीन क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाले हैं है जो इजी हैं एकदम जो वैल्यूस सही आ जाएंगे आपके ठीक है अब देखो हमसे यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है ठीक ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली आगे कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब सी वन सी टू जहां पर सी वन ग्रेटर देन सी टू बोला है ठीक है और ये दे रखा है कितना हमें ये दिया हुआ है आपका फोर वन एट टू ओके अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे को साइड uh, पता है क्या एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज टू पी परसेंट मोर देन एज ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ सीवन एंड सी टू मोर देन फाइव ठीक है तो यहाँ पर बोला है क्या कि सीवन सी टू की जो लेंथ है वो मोर देन फाइव होनी चाहिए तो अब यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ अगर हम इनके uh, बात करें कर्उट सर्फेस एरिया की तो मेरे को पहले क्यूब C1, C2 जो दिए हुए हैं इनके साइड में सपोज कर A एंड B क्लियर जब हम इसको A एंड B लेंगे तो इसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ओके ये कितना आ गया आपका फोर वन एट टू अब सीवन ग्रेटर बोला हुआ है दैट मीन इनका सी एस ए भी ज्यादा ही होगा यहाँ पर ठीक है अब बताओ सिक्स से मैं इसको कट कर दू यहाँ पर तो ये छह छाक छत्तीस छठ आएगा अब इसे करना करना है ठीक तो हमें क्या करना पड़ेगा Simple, यहां पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने हैं okay अरे लिख देते हैं ठीक है यहां पर जो भी correction हो सकता है थोड़ा बहुत अब देखो क्या सिक्स नाइन सेवन इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं तो मेरे को एक बात बताओ तीन से कट रहा है क्या नहीं सात से देखो बिल्कुल भी नहीं नौ से देखो नौ सात तिरसठ नहीं जाएगा ग्यारह से भी नहीं जाएगा ठीक अब क्या बारह ते, तेरा तेरह से भी नहीं जाएगा तेरह पंचायत पैंसठ सेवन आ रहा है चौदह पंद्रह सोलह ठीक सत्रह से देखो सत्रह चौको अड़सठ सत्रह एकम सत्रह बिल्कुल जा रहा है तो सेवनटीन और फोर्टी वन दोनों प्राइम नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं ठीक तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका इसको सरफेस एरिया कर लो ठीक है कर्ड नहीं होगा बिकॉज अगर आप ये लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं मैक्सिमम इन्मा यहां पर नहीं लगाना है अभी ठीक है अभी यहां पर मैक्सिमम इन्मा आपको नहीं लगाना है बताएंगे हमसे बोला है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ सी वन सी टू मोर देन तो जो भी वैल्यू हमारी आएंगी ए और बी की वो हमें क्या लेनी है वो मोर देन फाइव वाली ही यहाँ पर लेनी है पहली बात तो ये आएगी ठीक अब देखो क्या ए माइनस बी स्क्वायर को हम ले सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी क्लियर अब मुझे एक बात बताओ आप क्या कि ज्यादा वाली वैल्यू हम प्लस को देंगे और कम वाली वैल्यू हम इसको देंगे तो इक्वेट करोगे जब तो ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी वन ए माइनस बी इज इक्वल टू सेवेंटीन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू फोर्टी वन प्लस सेवनटीन बाय टू यही होगा ठीक है ए ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई बाई टू होता है सात और एक आठ चार और एक पाँच तो ए की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी सेवन मोर देन फाइव है क्लियर और दो दो नहीं चार दो नहीं अठारह ओके और बी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर इससे माइनस कर दो कितना हो जाएगा बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ट्वेल्व आ जाएगी उन्तीस में से सत्रह माइनस करोगे तो मतलब दोनों ही वैल्यूज हमारी मोर देन फाइव यहां पर आ रही हैं तो हमें कुछ ऐसा निकालना नहीं है बस कंफ्यूज करने के लिए बात कही थी कि आप यहाँ पर मैक्सिमम इनमा टाइप कुछ यूज करना चाहो ओके अब इसके भाई यहां तक डन हो गई हमारी सारी चीजें अब आगे थोड़ा सा रेक्टेंगल की बात कह दी है तो उसे भी देख लेते हैं अभी तक कुछ इसमें ऐसा नहीं लगा जो डुएबल ना हो आपका ठीक है आगे देखो क्या एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज परसेंट तो पी की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट और टू पी करोगे मतलब दो गुना बारह दशमलव पांच का पच्चीस परसेंट ज्यादा तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ है वो कितनी है यहाँ पर मोर देन द एज लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब तो स्मॉलर क्यूब कौन सा होगा भाई ये स्मॉलर होगा और ये आपका ग्रेटर होगा क्योंकि भाई जिसकी साइड छोटी वो छोटा तो बारह वाला लोगे तो इन्होंने कहा है जो ब्रेथ है वो क्या है इस ट्वेल्व से 25% मोर है क्योंकि P की वैल्यू 12.5 थी तो 25% मोर मतलब 125% और तो डायरेक्टली वी कैन से 5 by 4 फोर इंटू ट्वेल्व फोर थ्री जी ट्वेल्व थ्री फाइव फिफ्टीन यही आ जाएगी ब्रेथ ओके okay? तो ब्रेथ को हम कैपिटल B लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो A और B में क्लियर अब इसके बाद कहा क्या कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एट रुपइज कल्टीवेटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आप वहां पर खेती टाइप कुछ भी जो भी कर रहे होगे तो मतलब पूरे एरिया को ही लोगे यहां पर और पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोला तो यहां से समझ जाया करो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट दिया हुआ है कितना रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हमें दिया है आ, कितना q माइनस पी प्लस फाइव तो q की वैल्यू कितनी आई थी हमारी फोर्टीन और p की वैल्यू कितनी आई थी ट्वेल्व पॉइंट फाइव और प्लस का फाइव तो पांच चार नौ और नौ में से इसको माइनस करोगे बारह दमलव पाँच को तो ये सिक्स पॉइंट फाइव रुपीज आएगी ठीक है पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट दी हुई है टू सेवन फाइव टू सेवन थ्री जीरो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट टू सेवन फाइव थ्री जीरो में से आप सिक्स पॉइंट फाइव को कर दोगे क्या डिवाइड तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी अब आप यहाँ से क्या करोगे आराम से आप लेंथ और ब्रेथ को निकाल दोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी तो हम क्या करें इसको हटा दें उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर एल की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज बी हमने 12 निकाला ब्रेथ कितना निकाला है फिफ्टीन निकाला है ओके तो ये हो जाएगा टू सेवन थ्री जीरो सिक्स पॉइंट फाइव और ब्रेथ आई हाँ है फिफ्टीन क्योंकि एल बी इधर था तो बी हम नीचे ले आए इसको हटाओगे जीरो तेरह दोनी छब्बीस तेरह 13 तेरह पंचाय पैंसठ ये गया पांच सौ के बीस पांच दोनी दस इधर पंद्रह दो 30 तीस पंद्रह अठे एक सौ बीस लेंथ आ गई आपकी कितनी ट्वेंटी एट मतलब मेरे पास लेंथ ब्रेथ सब आ गया कितना ये ट्वेंटी एट है ब्रेथ हमारी कितनी आई थी फिफ्टीन तो ये डेटा आ गया एक यहाँ पर और ए और बी की वैल्यू आ गई कहाँ पर आई थी ए uh, आया था 29 और बी आया था कितना 12 तो ये सारी वैल्यूज आप एक साइड लिख लो क्योंकि अब हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं क्लियर क्योंकि भाई वेरिएबल्स देने का मतलब ही ये होता है कि हमें वो कही कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ करना है इसी वजह से हमें दिए जाते हैं ठीक है अब चलते हैं क्या अपना लास्ट पॉइंट पर तो शॉपकीपर अप एक्स एंड वाई फिफ्टी परसेंट एटी परसेंट ओके एंड सोल्ड देम एट प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस पर्सन रेस्पेक्टिवली तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ पहले देखते हैं क्या दिया है पहला क्वेश्चन करो आ रही है ना बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक हाँ अगर आप निकालना चाहो एरिया भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ये डुएबल है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में मैं बहुत ज्यादा इस टाइम लॉजिकल नहीं करवा रही अगर आपको लॉजिकल करना है तो मैंने बहुत सारे सेट्स करवाए हुए हैं ठीक है और अगर आप लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा लॉजिकल पे जाओगे ना मैं बता रहा आपको कोई भी फायदा नहीं होगा उससे कितना क्योंकि कितना स्ट्रेस ले सकते हो आप अभी दिमाग पर अभिषेक ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जब आएंगे क्वेश्चन तब आपको प्रॉब्लम होगी हो सकता है कि थोड़ा सा वो शॉर्ट दे दे बट आपका जो तरीका है पैटर्न है वो बिल्कुल यही आ रहा है ठीक है फिर आपकी मर्जी है आप करना चाहो या स्किप करो ठीक है इट्स अप टू यू इफ अ सिलेंडर इज कट इनटू एन क्यूब्स ऑफ टाइप सी टू तो सी टू टाइप की अगर हम बात करें ठीक है तो सी वन सी टू दो थे तो ए और बी हमने इनकी साइड मानी थी ए ट्वेंटी नाइन आई थी बी ट्वेल्व आई थी आई थिंक यही आया था तो अब हमें बारह को यूज करना है कि बारह बारह जिनकी आ, मतलब जो साइड होगी उसके एन क्यूब्स यहाँ पर काटे जाते हैं ठीक है थीका? अब बोला है क्या कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज आर वन माइनस थ्री ओके तो आर वन माइनस थ्री आर वन ट्वेंटी वन आया था तो हाइट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी वन माइनस थ्री दैट इज एटीन क्लियर और रेडियस कितनी हो जाएगी एंड विच इज 25 परसेंट लेस देन द रेडियस ठीक है तो हाइट और रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर ये 100 है तो ये 75 फाइव दैट इज थ्री टू फोर का रेशियो होगा ठीक है हाइट कितनी दी है 18 तो तीन छंग अठारह ये हो गया चार छंग चौबीस ठीक है दोनों चीजें आ गई अब मेरे को बताओ सिलेंडर मेल्ट करके क्यूब बनाए जा रहे हैं तो जितने भी क्यूब बनाए जाएंगे उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम होगा कि नहीं ठीक है तो अब मुझे एक बात बताओ आपके यहाँ बैकग्राउंड चेंज हाँ चेंज ठीक है अभी अभी रूम पूरा डेकोर करूंगी तो मैं अपने चैनल पर ब्लॉग डालूंगी उसका जरूर ठीक है टाइम मिले थोड़ा सा अभी से देखो क्या पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू बोल दे रहा है साफ साफ कि थ्री यूज करो तो फाइव पाई आर स्क्वायर एच को मैंने लिखा थ्री इंटू आर की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर तो मैंने उसको ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर कर दिया और हाइट कितनी है एटीन एंड दिस वैल्यू इज इज इक्वल टू एन क्यूब्स तो एन इन अगर हम बात करें कितने क्यूब्स हैं एन क्यूब्स हैं तो एक क्यूब का कितना है ट्वेल्व है साइड जो है तो इनका एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा ट्वेल्व का क्यूब ए क्यूब ही तो होता है और यहां पर क्या बोला था हमसे यही होगा ना बस इतना ही तो हमें करना था यहां पर ओके okay, अब वैल्यू निकालनी है क्यों क्योंकि और तो कुछ था नहीं इसमें बस इतना ही था एन इंटू ट्वेल्व क्यूब थ्री इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ओके अब ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व कर दो इसको बारह दो नहीं चौबीस बारह दोन चौबीस दो दो चार चार बारह तीन तीन गया एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अठारह यही तो हमसे पूछा था ऑप्शन नंबर थ्री अगर ये डोएबल नहीं है तो भाई क्या होगा ठीक है एम पी सी पी इसकी भी बात करेंगे ठीक है लो क्वेश्चन भाई बहुत कम स्टूडेंट आने लगे हैं क्या बात है अब मैथ्स उस पढ़ने का मन नहीं है मैं तो सोच रही थी मैराथन लाने को और चीजें जो भी हों आपका एक टी का पूरा पर फायदा क्या है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके लाऊं और फिर स्टूडेंट्स ही ना आए यस यूनिवर्सली अगर अगर आपसे कभी भी मेंशन ना करे ठीक तो आप ट्वेंटी टू बाय सेवन ही लोगे थ्री पॉइंट वन फोर भी नहीं लोगे ठीक अगर वो आपको मेंशन कर रहा है लाइक थ्री पॉइंट वन फोर या पाई इज इक्वल टू थ्री इवन उसने कह दिया पाई इज इक्वल टू टू तो भी आपको वही रखना पड़ेगा भले ही वो करेक्ट हो या ना हो तो मेंशन जो करेगा वही रखो बाकी अगर कभी मेंशन ना करे दैट मीन्स आपको ट्वेंटी टू बाई सेवन ही लेना है इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लोगे क्लियर अब देखो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन बढ़िया है इफ डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल वाई इज थ्री हंड्रेड ठीक तो मैं एक्स और वाई की बात कर लू यहाँ पर वाई पर डिस्काउंट दे रहे हो कितने का थ्री हंड्रेड का एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई इज फोर एट्टी मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स ठीक है तो वाई के अगर हम एम की बात करें सो दिस वैल्यू इज फोर एटी मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल टूगेदर इज दिस मतलब ये हमसे सीधा सीधा यही कहना चाह रहा है कि भाई दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल कर इसके इक्वल करो तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी कोई ना कोई ओके फोर द वैल्यू ऑफ टू पी वन प्लस थ्री पी टू वेर पी वन इज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग वाई पी टू इज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग क्यू तो हमें चाहिए मेन प्रॉफिट जो सेल करने पर एक्स और वाई पर मिल रहा है तो हमसे सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट की बात कर रहा है वही प्रॉफिट कर देना है ठीक अब देखो यहाँ पर हम कर क्या सकते थे है ना अगर हम बात करें हमसे कहा था क्या कि एक्स और वाई पे मार्कअप कितना 50 हो रहा है फिफ्टी परसेंट और 80% परसेंट हो रहा है यहाँ पर तो मैं पहले x को लेकर चलू ठीक अब यहां पर हमें इस तरह से भी डेटा दिया हुआ है दैट मीनस हम सिर्फ हंड्रेड यूनिट मान के नहीं कर सकते तो मैं आपसे यहां पर सिंपल यही बोलूंगी सपोज मैंने एक्स का सी कह दिया कितना कितना ओके तो तो जब ये ले लिया तो MRP हो जाएगा मार्कअप कर रहा है फिफ्टी परसेंट का दैट मीन दिस इज वन फिफ्टी ए क्लियर और साफ साफ इन्होंने बोला है कि एंड एंड सोल्ड एट प्रॉफिट परसेंट ऑफ दिस परसेंट एंड दिस परसेंट रेस्पेक्टिवली मतलब एक्स पर इतना प्रॉफिट परसेंट है और y पर आपका इतना प्रॉफिट परसेंट है जो कि इन्होंने यहां पर बोला है तो मेरे को एक बात बताओ x के अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कितना दिया है टू आर वन आर वन की वैल्यू 21 थी p की वैल्यू हमने 12.5 निकाली थी एंड दिस इज 4 यही तो दिया हुआ था यही प्रॉफिट परसेंट ठीक है तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम बोले एक्स का तो ये होगा पच्चीस में से 12.5 माइनस करोगे तो 12.5 और 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टू दैट इज अगेन ट्वेंटी परसेंट आएगा मतलब इतना प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो मेरे को बताओ वन इसकी वैल्यू होती है वन बाई फोर तो फोर टू वन का प्रॉफिट मिलकर फाइव हो रहा है आपको पता है सीपी हंड्रेड तो चार यूनिट की वैल्यू हंड्रेड तो ये हो जाएगा कितना पच्चीस एक सौ पच्चीस तो सेलिंग प्राइस भी आपको पता लग गया इसका वन ट्वेंटी फाइव ए और वाई का एमआरपी भी पता लग गया क्या यही तो बोला था कि एक्स के सेलिंग प्राइस से कितना है 125 A, ज्यादा है आपका वन ट्वेंटी फाइव ए यहां पर ये ज्यादा है ठीक है हाँ वो थ्री एटी एक्स्ट्रा फोर एटी एक्स्ट्रा दिया है आपको ना फोर एटी वहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है अब देखिए क्या अब क्यू का प्रॉफिट था ये आपका ओके तो क्यू पर कितने का प्रॉफ़िट हो रहा है अगर सॉरी इस पर वाई पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है अब मेरे को बताओ हम सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं क्या सेलिंग प्राइस ऑफ वाई कितना हो जाएगा बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ वाई हमारा होगा अगर हम वन ट्वेंटी फाइव ए प्लस फोर एट्टी ये एमआरपी इस पर कितने का डिस्काउंट दे रहे थे तीन सौ का डिस्काउंट दे रहे थे मतलब डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वाई का सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमसे साफ साफ बोला था वन ट्वेंटी फाइव ए प्लस का ये वन एट्टी आ गया अब लास्ट में हमसे यही कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस का सम कितना दिया हुआ है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनका सम दिया हुआ है यहां पर वन थ्री एट जीरो हम इसके यहाँ पर यहां पर इसको हम यूज कर देंगे ठीक है ओके okay, कोई बात नहीं ये आपका वन थ्री एट जीरो लिखा हुआ है ठीक है अब इधर देखो क्या हम दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे तो एक्स का है वन ट्वेंटी फाइव ए और वाई का है वन ट्वेंटी फाइव ए प्लस का कितना 180 एट्टी इज इक्वल टू वन से जब इसको माइनस करोगे सो दिस वैल्यू इज ट्वेल्व हंड्रेड एंडी ए सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी पच्चीस मतलब फोर पॉइंट एट कैंसिल मतलब 4.8 आ जाएगी तो आपको पता लग गया एक्स का सीपी कितना आ जाएगा आपका 480 साफ साफ पता लग रहा है क्योंकि फोर ये है यहां से एम भी निकाल लोगे पूछा कैसा हमसे प्रॉफिट मतलब कि मेरे को नीड है सेलिंग प्राइस की सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 125 आ, ऐसे भी कर सकते हो क्या कि आपको प्रॉफिट 25 परसेंट का हो रहा था तो चार यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी 480 आ गई तो पांच यूनिट की वैल्यू बारह पंच छः सौ तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर देखो 100 सौ ही आएगा ना चार और ये हो जाएगा आपका कितना सिक्स सेवन uh, आएगा क्या आएगा फोर टू फाइव हो रहा था ना 25%, तो 4 to 5, तो इसकी वैल्यू 4, 4 ये तो 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 हमने सही निकाला है ना पर पर ओके तो प्रॉफिट हम अगर सिंपल निकालेंगे वन तो ट्वेंटी का आपको दिख रहा है ओके अब हम बात करेंगे वाई की ठीक तो वाई के बारे में मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ था कितना तो हम प्रॉफिट की बात करें वाई की तो ये था टू आर वन माइनस पी तो आर वन की वैल्यू कितनी दी हुई थी अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो यहाँ पर या फिर हम एक काम यही करते कि हम डायरेक्टली निकाल लेते तो ऐसे भी जा सकते थे ठीक है तो 720 आप इजीली वैसे भी निकाल सकते क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें 120 पता ही लग रही है क्योंकि मेरे से प्रॉफिट पूछा है ना कि प्रॉफिट परसेंट तो P1 आप, आपका कितना आ गया P2 टू पी टू एक्स का था तो ये हमें 120 मिल गया अब बात आती है वाई का तो वाई का आप निकाल सकते हो कैसे ये हमें दे रखा था सॉरी यहाँ पर कितना क्यू प्लस ये तो क्यू की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 14 और 1.6 पॉइंट आया था 10 दैट मीनस दिस वैल्यू इज सोलह 4, चार दस कितना आ जाएगा तीस परसेंट आ जाएगा तो तीस परसेंट का मतलब क्या थ्री बाय टेन दस पर तीन का प्रॉफिट तो तेरह हो रहा होगा ओके और सेलिंग प्राइस हमें पता है इतना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 600 सौ और एक सौ अस्सी तो ये 600 सौ ही तो आया था हमारा तो ये हो गया सात सौ अस्सी मतलब थर्टीन यूनिट की वैल्यू सेवन एट्टी थर्टीन सिक्स सेवेंटी एट तो टेन सिक्स सिक्स हंड्रेड तो यहां कितने का प्रॉफिट वन एट्टी का प्रॉफिट मतलब पी वन आ गया आपका 180 तो 2P1 पी वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा 2 इंटू वन एट्टी प्लस थ्री इंटू वन ट्वेंटी अठारह दूनी छत्तीस बारह तीस छत्तीस कितना आ गया 800 सौ ऑप्शन सात ओके 72 आएगा ये थोड़ा सा ना जगह नहीं होती है ना तो ऊपर नीचे हो जाता है मे भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है ठीक है मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ ठीक है ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जो डी मैंने करवाई है और ये जो सेशन ले रही हूँ तो इसको हल्के में मत लो कर लो ठीक है फायदा रहेगा नहीं तो बाद में फिर वही है कि करे रहो कठिन कठिन क्वेश्चन या छोड़े रहो फिर बाद में बोलो कि यार कर सकते थे कर नहीं पाए तो हम क्या करें है ना देखो यहाँ पर क्या था मैं आपको बता दूँ मेरे को क्वेश्चन में रिलेट करके दिया था क्या कि दोनों के सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है 1380 के तो मैंने दोनों के सेलिंग प्राइस तक पहुंचने की जर्नी पूरी कंप्लीट करी कैसे हमें यहां पर सबसे पहले एक्स का प्रॉफिट इतना गिवन था तो हमने निकाल लिया 25 परसेंट मतलब वन बाय फोर चार पर एक का प्रॉफिट हो रहा पांच हो रहा तो ये सीपी और ये एसपी तो सीपी सपोज मैंने हंड्रेड ए कह दिया और आपका 50% का एक्स पर मार्कअप दिया हुआ था तो आपका एमआरपी कितना हो गया 150 ए क्लियर अब 25% का प्रॉफिट हो रहा है चार यूनिट की वैल्यू 100 A है तो पांच यूनिट की वैल्यू 125 A हो जाएगी ठीक अब हमसे कहा था क्वेश्चन में ही कि वाई पर डिस्काउंट 300 का है और मुझे चाहिए क्या सेलिंग प्राइस दोनों का अब डिस्काउंट पता है वाई का एमआरपी भी पता है कैसे पता वाई के बारे में इन्होंने ये कहा था अगर आप अलग-अलग लेते ना ए बी करके तो आप फंस जाते ठीक है इससे अच्छा कि आप रिलेट कर लो बिकॉज हमें रिलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ था एक्स से तो मेरे से बोला जो वाई का एम है वो फोर ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स इसीलिए हमने एक्स का सेलिंग प्राइस निकाला तो कितना ज़्यादा कर दिया 125 से फोर ज्यादा कर दिया अब एम आर पे आप तीन का डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस आ गया वाई का कितना आपका 125 ए प्लस का 180 अब मैंने इसको उठाया और इस वाले को उठाया कहां पर था इनको दोनों को एड करके तेरह के इक्वल कर दिया कर दिया तो ए की वैल्यू 4.8 आ गई दैट मीनस कॉस्ट प्राइस फोर आ गया तो अब चार की युनि, चार यूनिट की वैल्यू कितनी यही तो सीपी था चार सौ अस्सी तो पांच यूनिट की वैल्यू छह सौ कितने का प्रॉफिट वन ट्वेंटी तो पी टू क्या था प्रॉफिट ऑन x तो आ गया आपका इसके बाद y की बात करें y पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो है p1 तो y की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या आया था बताओ y का प्रॉफिट था q 1.6 r2 दैट मींस 30% आ गया ठीक 3/10 तो 10 पर तीन का प्रॉफिट देरा हो रहा है y का सेलिंग प्राइस था इतना ओके okay, 125a सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स जो कि 600 आया था तो सीधा 600 में 180 जोड़ोगे ये आ गया 780 तो मुझे सेलिंग प्राइस पता है 13 यूनिट की वैल्यू 780 तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 10 यूनिट की वैल्यू 600 और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा प्रॉफिट 180 वही हमने यहाँ पर लेकर 2p1 3p2 जो भी बोला था ऐड कर दिया आ गया 720 क्लियर ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है भाई ठीक है ये एक मार्क्स में कभी नहीं आएगा ये दो नंबर का क्वेश्चन होगा आएगा तो यस यही सेम लेवल भाई वही तो बता रही हूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल इजी हो जाए तो आप जब थोड़ा लेवल अप करके जाओगे तभी तो आप इजी वाला टच कर पाओगे अगर सेम लेवल में कराऊंगी ना तो सेम लेवल कभी टच नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है इसलिए आपको क्वेश्चन एक लेवल अप करवाए जाते हैं और जिनका भी मैंसोरेशन क्या कहते हैं वीक होता है ना उनको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जब भी लाइक आप क्लर्क मेंस का पेपर दे रहे हो ठीक है अभी मैंने पेड में क्लास ली तो स्टूडेंट बोले मैं मैंसोरेशन स्किप कर देते हैं पर आपको इतना बता दें अगर क्लर्क मेंस में आता है तो ये फ्री के मार्क्स होंगे आपके मैंसोरेशन के क्यों क्योंकि वो आपको कभी टफ क्वेश्चन नहीं देगा अगर मैंसोरेशन आएगा बस आपके वो फॉर्मूले को ही चेक कर लेगा उसी में आप फेल हो जाते हो क्योंकि आप कभी ट्राई नहीं करते इतनी बड़ी बड़ी जीए की छह महीने की रट डालोगे ठीक बीस मिनट में आपको इसके फॉर्मूले लर्न नहीं हो पाते फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल ठीक है तो लेंथ और ब्रेथ आई थी दोनों की क्या अट्ठाईस और पंद्रह का डिफरेंस कितना आएगा तेरा है ना Next. हाँ यही हुआ होगा कबल आपने क्या किया होगा यहाँ पर कि सी जैसे कि हंड्रेड ए हंड्रेड बी या फिर दोनों का अलग अलग लेट करके किया होगा या फिर आपने ऐसे भी किया होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका प्रॉफिट था थर्टी परसेंट वाई का प्रॉफिट था ये आपको पता था ठीक है आपने क्या एक्स का था तो वन बाय फोर ठीक तो सी आप क्या कह दोगे यहाँ पर फोर एक्स एस पी फाइव एक्स यहाँ पर क्या आपका थ्री एक्स थ्री बाय टेन होता है तो टेन एक्स और थर्टीन वाई ऐसे ले लो तो आपके दो वेरिएबल आ जाएंगे तो क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करो है ना कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि हमें एक्स और वाई रिलेट कर दिए हैं आपस में तो हम एक ही वेरिएबल से काम चला लेंगे बीस आर एफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स तो एक्स का हमसे बोला है क्या यूज द ऐसे देगा एग्जाम में ठीक है जब भी यूज कराना होगा यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड तो सीपी ऑफ एक्स हमने निकाला था 480 हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ वाई तो वाई का सीपी कितना था हैं वाई का सीपी कितना था भाई 600 आया था ना कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में 120 का और किससे बोल रहा है लेस देन वाई तो वाई का छह 600 ने 120 20%